वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजेंद्र चौहान, टीम फिजिक्स। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर जेई एडवांस 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस। और हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस, और ये है हमारी गुरु नीति नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर There are two parallel capacitor, each of capacitance C. Capacitance दोनों का यहां पर C है, इसका भी C है और इसका भी C है. The switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1. पहले हमने यहां पर S1 को किया क्लोज, अब आपको पता है कि अगर S1 को हम यहां पर हमने क्लोज किया और फुली चार्ज करना है हमें C1 को, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको फुली चार्ज कर दे तो उस केस में आपको पता है कि इस कैपेसिटर का भी वोल्टेज बन जाएगा 2V0, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज है 2V0, ठीक है? उसके बाद क्या किया, एंड देन रिलीज्ड, उसके बाद हमने इसको हटा दिया। फिर क्या किया, देन S2 इज प्रेस्ड, उसके बाद S2 को किया प्रेस टू चार्ज द कैपेसिटर C2, C2 को चार्ज करने के लिए, ठीक है? अब हमको पता है कि यहां पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है ये वाला, तो जब तक इन दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो फाइनली दोनों का वोल्टेज भी सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि फाइनली इसका और इसका दोनों का वोल्टेज कितना बन जाएगा बच्चों, V0, ठीक है? अब क्या किया, आफ्टर सम टाइम S2 इज रिलीज्ड, और उसके बाद हमने इस S2 को ओपन कर दिया, एंड देन S3 इज प्रेस्ड, उसके बाद S3 को हमने प्रेस किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, तो बच्चों जब S3 को हमने प्रेस किया तो आपको पता है कि जब हमने C2 को चार्ज किया था तो उस केस में C1 पर यहां प्लस प्लस चार्ज था, तो C2 पर भी यहां पर प्लस प्लस चार्ज आ चुका था। लेकिन अब हम लोग यहां पर इस वाली बैटरी की पोलैरिटी देख सकते हैं, नीचे प्लस ऊपर माइनस, इट मींस फाइनली क्या होगा, इस वाले कैपेसिटर पर यहां पर यानी नीचे वाली प्लेट पर प्लस प्लस चार्ज आएगा और ऊपर वाली प्लेट पर माइनस माइनस चार्ज आएगा, और इसका भी वोल्टेज उतना ही होगा जितना इस बैटरी का वोल्टेज है कंप्लीट चार्ज होने पर, ठीक है? तो फाइनली इसका वोल्टेज वी नॉट होगा, ठीक है? तो ये तो थे प्रोसेस। अब देखते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0। C1 की ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो बच्चों हमको पता है कि ऊपर वाली प्लेट पर प्लस चार्ज होगा, लेकिन ये फाइनली की बात कर रहा है, आफ्टर सम टाइम फाइनली कितना चार्ज होगा। तो हमको पता है कि हमने इसको वी नॉट वोल्टेज और इसको भी V0 वोल्टेज तक पहुंचा दिया था बीच में, उसके बाद हमने C S2 को ओपन कर दिया था, तो इसका वोल्टेज है V0 और इसका कैपेसिटेंस है C, तो हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज आएगा CV0, ठीक है? तो चार्ज आएगा CV0 और ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव होगा, नीचे वाली प्लेट पर चार्ज नेगेटिव होगा, तो CV0 आना चाहिए, इट मीन्स पहला ऑप्शन गलत। सेकेंड, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ सी वन इज सी वी नॉट, बिल्कुल सही है, ऊपर वाली प्लेट पर प्लस चार्ज होगा सी वी नॉट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ सी टू इज जीरो, सी टू की ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है? बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, एस थ्री को हमने प्रेस किया हुआ है, ओके? तो इस पर चार्ज होगा, इस पर चार्ज जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस CV0, C2 की ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज माइनस होगा, क्यों? क्योंकि हमें इस बैटरी की पोलैरिटी पता है, यहां प्लस और यहां पर माइनस, तो इस पर भी यानी C2 की ऊपर वाली प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है? और वोल्टेज जितना इस बैटरी का है उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर का भी होगा V0, तो चार्ज की बात करें तो CV0 चार्ज डेवलप होगा, ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस CV0, ये बात बिल्कुल सही है,
ओके, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर. सो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस सही होंगे. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. और अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न. और यहां पर आपसे कहा गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बिटवीन इट्स प्लेट दैट कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ इट्स प्लेट. मतलब ये जो डाई इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है ये 1/3 पार्ट ऑफ एरिया को कवर कर रहा है. सो 2/3 पार्ट ऑफ एरिया ये वाला होगा. ठीक है, फिर क्या कहा आपसे, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी. ठीक है, वाइल दैट ऑफ द पोर्शन विद डाई इलेक्ट्रिक इन बिटवीन इज सी वन. इस टोटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है और इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस सी वन है. ठीक है, when the capacitor is charged the plate area covered by the dielectric gets charge q1. ठीक है, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया तो इस वाले पार्ट पर जो चार्ज आया वो है q1 and the rest of the area gets charge q2. और रेस्ट जो पार्ट है ये वाला, इस पर चार्ज आया q2. the electric field in the dielectric is e1. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ E1 एंड दैट इन द अदर पोर्शन इज E2. दूसरे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस इग्नोरिंग एज इफेक्ट. एज इफेक्ट को हमें इग्नोर करना है और कौन से ऑप्शन यहां पर सही है आइए देखते हैं. तो बच्चों यहां पर सबसे पहली बात तो हम लोग यहां अगर देखें तो अगर इस कैपेसिटर को हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस बैटरी का वोल्टेज है. सही बात है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E1 या E2 की, तो हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बीच का डिस्टेंस. तो यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि ऊपर वाले पार्ट या नीचे वाले पार्ट दोनों के लिए ही V और D का वैल्यू सेम रहेगा. इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, यानी E1 और E2 का वैल्यू सेम होगा. ओके, सो E1 अपॉन E2 का रेशियो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा. ओके, और अगर ये 1 आ चुका है तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा. अब उसके बाद है कि Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू 3 अपॉन K होगा और C अपॉन C1 का वैल्यू 2 प्लस K अपॉन K होगा. तो इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. अब यहां पे हमारे पास एक्चुअली जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखते हैं. तो पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं C1 की, मतलब इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस जो है C1 है. C होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी इनटू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एरिया ए बाई थ्री है. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के. सो ये आएगा बच्चों C1 का वैल्यू. ठीक है, और बात करें हम लोग अगर C की, तो C है इन दोनों कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस. ठीक है, तो अब ये दोनों बच्चों पैरेलल में है या सीरीज में है? पैरेलल में है ना, ये और ये. ठीक है, पैरेलल में है. तो अगर हम लोग इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस C2 लें तो C2 का वैल्यू ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A, एरिया कितना है 2A अपॉन 3 और D. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D, ये आ गया C2. अब C1 और C2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में है तो C का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, C1 प्लस C2 आएगा. तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें यहां पर दिख रहा है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन 3D कॉमन आ जाएगा. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन 3D कॉमन आ रहा है और यहां पर आएगा K और यहां पर 2, तो K प्लस 2. ठीक है, तो ये हमारा C का वैल्यू आ चुका है, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई. और C1 का वैल्यू ये रहा. अब हमें C अपॉन C1 करना है, तो अगर C में C1 का डिवाइड करें
तो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन 3डी वाला पार्ट कैंसल आउट हो रहा है, ऊपर आएगा के प्लस टू, नीचे आएगा के, जो कि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है के प्लस टू अपॉन के, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। ओके, उसके बाद है कि क्यू वन अपॉन क्यू टू का वैल्यू 3 अपॉन के आएगा क्या, तो बच्चों चार्ज की बात भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है सी इंटू वी, ठीक है, और वोल्टेज का वैल्यू तो सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्यू वन यानी ऊपर वाले पार्ट पर यहाँ पर कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, तो क्यू वन ये आएगा सी वन और ये वी, तो Q1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू था हमारा ये, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D और ये K और ये V आ जाएगा, ठीक है। और अगर Q2 की बात करें तो Q2, Q2 आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों, ओके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, Q1 अपॉन Q2 हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, Q1 यहां पर आ चुका है, Q2 की बात कर लेते हैं, ओके Q2 की बात कर लेते हैं, तो Q2 ये आएगा CV2, C का वैल्यू, C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू टू ए अपॉन 3D, वोल्टेज कितना है V, ठीक है, ये आएगा Q2। तो अगर Q1 अपॉन Q2 की बात करें तो Q1 में Q2 का डिवाइड करने पर क्या क्या क्वांटिटीज कैंसल आउट हो रही हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन 3D यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, ठीक है, V से V भी कैंसल हो रहा है, ठीक है, और यहां पर रह गया बच्चों केवल K, यहां पर K आ जाएगा और ऊपर वाले पार्ट में एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, ये सब कैंसल, रह गया 2, ठीक है, रह गया 2, तो ये आएगा 2। तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू यहां से मिल रहा है K by 2, और ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है, ओके K by 2 चाहिए हमें, ओके जबकि यहां पर ये आ रहा है K अपॉन 2, जबकि यहां पर आ रहा है 3 अपॉन K, जो कि गलत है, ओके So from here we can say कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत साबित हुआ है। ओके सो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि टू आइडियल बैटरीज ऑफ ईएमएफ वी वन एंड वी टू, वी वन एंड वी टू आर एंड थ्री रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री आर करेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट इन द रेजिस्टेंस आर टू वुड बी जीरो इफ, यहां पर हमें पता करना है कि आर टू में करंट का वैल्यू जीरो किन किन सिचुएशंस में हो सकता है, इसमें करंट का वैल्यू करना है जीरो, ठीक है, देखते हैं। तो ऑप्शन से हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। पहला हमने किया चेक V1 और V2 का वैल्यू सेम, ठीक है, V1 और V2 का वैल्यू सेम ले लिया, R1 R2 और R3 का वैल्यू सेम, R1 R2 और R3 का वैल्यू भी सेम। अब देखो बच्चों, हम लोग यहां पर कुछ वैल्यूज अगर मानकर चले तो उससे हम लोग बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पर आई का वैल्यू जीरो होने के लिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर यहां पर करंट का वैल्यू जीरो है, इट मींस इस पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसका सारा का सारा वोल्टेज जो है वो इस R1 पर और इस बैटरी का कंप्लीट वोल्टेज इस R3 पर ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है, ये दो कंडीशन यहां पर फुलफिल होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि यहां पर करंट का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो बच्चों हमने कहा कि यहां पर अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, तो यहां पर करंट आएगा V1 अपॉन R1 इसमें, और यहां पर अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ V2 कंप्लीटली, तो यहां पर
V2 अपॉन R3 करंट फ्लो होगा, और हमने कहा कि करंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, इट मींस V1 अपॉन R1 का वैल्यू V2 अपॉन R3 के बराबर होना चाहिए। तो ये है बच्चों कंडीशन जिसके लिए इस R2 में से करंट का वैल्यू जीरो होगा। अब हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि इस वाली कंडीशन को कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहला, V1 बराबर V2 बराबर R1 बराबर R2 बराबर R3। जाहिर सी बात है कि ये वाला इक्वेशन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। V1 और V2 का वैल्यू सेम कर दें तो उस केस में V1 और V2 कैंसिल और R1 और R3 कैंसिल, मतलब 1 बराबर 1। इट मीन्स दोनों पार्ट यहां पर इक्वल आ सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन से। सेकंड की बात करें, अगर V1 बराबर V2, ठीक है, अगर V1 बराबर V2 होगा तो V1 और V2 कैंसिल हो जाएंगे, और R1 और R3 का वैल्यू सेम, R1 और R3 का वैल्यू सेम, तब भी हमारा 1:1 = 1, मतलब ये वाला कंडीशन भी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, तो ये सेकंड भी ठीक है, V1 बराबर 2V2, अगर V1 को रखे 2V2, ठीक है, और R3 और R1, अगर R1 को रख दें एज इट इज और ये V2, ठीक है, और R3 का वैल्यू 2R1, ठीक है, तो यहाँ पर V2 R1 कैंसिल, V2 R1 कैंसिल, यहाँ R2 = 1/2, विच इज रॉन्ग, इट मीन्स ये गलत है। उसके बाद आता है फोर्थ, 2V1 बराबर V2 एंड 2R1 बराबर R3। तो देखते हैं, V1 को हम लोग लिख देते हैं एज इट इज, R1 को आप लोग लिख दे दीजिए एज इट इज, V2 कितना 2V1 और R3 का वैल्यू 2R1, 2 से 2 कैंसिल, V1 अपॉन R1 बराबर V2, V1 अपॉन R1। तो ये वाला भी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स फोर्थ भी यहां पर सही है। ओके, सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ दोज विल बी करेक्ट ऑप्शंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बच्चों अगला प्रश्न हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। ओके, और यहां पर आपसे कहा गया कि एक गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर करंट बाय कनेक्टिंग इट टू ए 4990 ओम रेजिस्टेंस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट, इफ कनेक्टेड टू ए 2N/249 ओम रेजिस्टेंस, इट बिकम्स एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1.5 एम्पियर, देन वैल्यू ऑफ एन विल बी। तो देखते हैं बच्चों कैसे होगा ये सॉल्व। गैल्वेनोमीटर का यहां पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, जब उसके अंदर 0.006 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और हमें अगर इसको वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो हमको पता है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ये दिया हुआ है 4990 ओम, ठीक है, और इस गैल्वेनो का रेजिस्टेंस मान लीजिए दैट इज RG, और यहां पर मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकता है ताकि इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाए वो है 0.006 एम्पियर, 0.006 एम्पियर इज देयर। ओके, ठीक है, और उस केस में इसका जो रेंज हो चुका है, इस वोल्ट मीटर का जो रेंज हो चुका है वो कितना है 30 वोल्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मैक्सिमम 30 वोल्ट हो चुका है। तो अगर हम लोग देखें तो V1 प्लस V2 का वैल्यू 30 वोल्ट यहां पर आना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.006 × RG, ठीक है, प्लस यहां पर 0.006 × 4990, ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए 30 के। तो यहां से हम लोग RG का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग यहां पर 0.006 को कॉमन ले लीजिएगा तो ये आएगा 4990, ये आएगा 30/0.006। सो फ्रॉम हियर पॉइंट हटा दीजिए 1, 2 एंड 3। ओके,
सो ये आर आया बच्चों 5000। ओके सो यहाँ पर आर का वैल्यू 5000 में से गया 4990, इट मीन्स 10 ओम। ओके तो यहाँ से हमें इस आर जी का वैल्यू मिल चुका है 10 ओम। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, अभी हमसे कह रहा है कि इट इज कनेक्टेड टू इट 2N/249 ओम रेजिस्टेंस, देन इट बिकम्स एन एमिटर ऑफ दिस मच रेंज। तो अब हमें इसे एमिटर में चेंज करना है, और एमिटर में चेंज करने के लिए आपको पता है शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनो के। तो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनो के पैरेलल में शंट जोड़ दिया हमने, ठीक है लाइक दिस। और अब ये एमिटर में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका रेंज कितना है 1.5 एम्पियर। इट मींस यहां से 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और इसमें जो करंट जा सकता है वो है 0.006 एम्पियर। रिमेनिंग करंट यहां से फ्लो होगा, ठीक है। और हमें यहां पर इस एस यानी शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करना है कि ये 2N/249 की टर्म्स में एन का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो बच्चों, और यहां से 1.5 एम्पियर करंट वापस से बाहर की ओर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का वोल्टेज का वैल्यू यहां पर सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो इसका वोल्टेज बराबर इस पार्ट का वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो यहां पर अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है थोड़ा, तो देखते हैं। देखो बच्चों, इस वाले पार्ट पर वोल्टेज ये आएगा, ओके ठीक है, ओके बच्चों। तो यहां पर वोल्टेज की बात करें, करंट का वैल्यू 0.006, सो 0.006 आ रहा है। आर जी का वैल्यू यहां पर था 10 ओम, ठीक है, और यहां पर रेजिस्टेंस एस, और यहां पर जो करंट फ्लो हुआ है वो है 1.5 में से गया 0.006, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर अप्रोक्सीमेशन में इसको 1.5 के आसपास ले लें, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इसको 1.5 के आसपास ले लें, तो या यूं कहें कि 1.5 माइनस 0.006, तो यहां से आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में मैं यहां पर चेक कर रहा हूं कि कितना वैल्यू यहां पर एस का आ सकता है। अगर इस 1.5 के कंपैरिजन में 0.006 को नेग्लिजिबल मानकर हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहां से आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो यहां से एस का वैल्यू हमें मिल रहा है। अगर अप्रोक्सीमेशन में मैं इसे सॉल्व करूं तो 1.5 के कंपैरिजन में इसको अगर नेग्लिजिबल मान लूं, तो यहां से आपको एस का वैल्यू जो मिल रहा है वो आएगा बच्चों 0.06 आ जाएगा ये, और ये आएगा 1.5, ठीक है। तो ठीक है, 6/150 आ रहा है ये, और हमें जो यहां पर वैल्यू दिया गया है एस का वो था 2N/249, ठीक है। तो अगर एस का वैल्यू हम लोग इसके आसपास रखें तो देखिए क्या प्राप्त होगा उससे। एस का वैल्यू जो हमें दिया गया है वो है 2N/249, तो अगर इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 250 के आसपास लेकर चलूं, ठीक है, तो यहां पर ये आ रहा है बच्चों 3, ये आएगा 5, ठीक है। तो एन का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा 6×5/6, इट मीन्स 5, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो उस केस में भी आपको यहां पर एन का वैल्यू 5 मिल जाएगा। ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ एन विल बी 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न। ओके तो यहां पर इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ए स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड इज फिल्ड विद एन आयरन एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ AL and FE आर दिस मच एंड दिस मच, ठीक है।
respectively the electrical resistance between the two faces P and Q of the composite bar is. तो हमें यहाँ पर इन दोनों bars का composite resistance का value find out करना है. तो हमको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे के parallel में है, ठीक है. तो parallel में है तो हम लोग यहाँ पर अपना formula use कर सकते हैं. That is 1 upon R equivalent, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है. और R क्या होता है बच्चों? Rho into L upon A, ठीक है. यहाँ पर rho है resistivity, L है length, length दोनों का same है. Area of cross section यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर पहले मैं बात कर रहा हूँ R1 की. Let R1 मैंने लिया aluminium को और R2 लिया iron के लिए, ठीक है. तो R1 की बात करें तो rho का value aluminium के लिए 2.7 into 10 raise to minus 8. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का जो हमें फाइंड आउट होगा वो है इस टोटल एरिया में से अगर आयरन वाले पार्ट को हटा दे तो ये है 7 और स्क्वायर बार है ना, 7 इंटू 7 49 और 49 में से 2 इंटू 2 4 अगर माइनस कर दे, 49 में से गया 4 कितना रह गया 45. ओके सो 45 mm स्क्वायर आएगा, ठीक है. 49 में से गया 4, 45 mm स्क्वायर. और उसके बाद हम और लेंथ कितना है बच्चों? 50 mm. ओके सो 50 mm एज इट इज, ठीक है. और mm तो यहां पर हम लोग इसको मीटर के अंदर बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो अब देखो ओके ऑप्शन बी है, माइक्रो ओम में हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है. तो R2 की बात कर लेते हैं हम लोग. रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 रेस टू माइनस 7. लेंथ का वैल्यू वही 50 mm और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 2 दैट इज 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से आपको R1 और R2 का वैल्यू मिल जाएगा. उसके बाद R1 और R2 का वैल्यू यहां रख के आप लोग कैलकुलेशन करके R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसको पहले आप लोग मीटर के अंदर चेंज कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहां पर मिलीमीटर, मिलीमीटर से एक मिलीमीटर कैंसिल हो चुका है, मिलीमीटर से मिलीमीटर की पावर कैंसिल. अब मिली को मीटर में चेंज करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा बच्चों 50 इंटू और ये मिली 10 डेज टू माइनस 3, इट मीन्स इट विल बी 10 डेज टू माइनस 4 अपॉन 4 आ जाएगा, ये आएगा R2. सिमिलरली यहां से आपको R1 का वैल्यू, ये था R2, R1 का वैल्यू भी आपको यहां से मिल जाएगा 2.7 इंटू 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 आ जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 45. ओके बच्चों तो यहां पर आपको R1 और R2 का वैल्यू मिल चुका है. R1 और R2 का वैल्यू यहां पर पुट करके आप लोग कैलकुलेशन के बाद R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके और ज्यादा इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 12.5 आ जाएगा और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 यानी 27 अपॉन 9 3 आ जाएगा ये, ठीक है. सो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 आ जाएगा और ये आ रहा है हमारा 12.5 इंटू 10 डेज टू माइनस 4. तो अगर पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर दें तो 10 डेज टू माइनस 5 की फॉर्म में ये बन जाएगा. ओके तो बच्चों यहाँ से आपको मिल रहा है R2 का वैल्यू, ठीक है, 125 इंटू 10 डेज टू माइनस 5, ठीक है, ओम. और यहाँ पर भी ओम. ओके और इन सब का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख के फाइनली सॉल्व कर लेंगे. कैलकुलेशन इज देयर, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा. R1 का वैल्यू कितना आ रहा है? R1 का वैल्यू था 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 और R2 का वैल्यू था 125 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, ठीक है बच्चों. और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 1875 अपॉन 64 माइक्रो ओम. ओके बच्चों सो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है. ओके बच्चों तो इसके बाद हमारा
अगला प्रश्न यानी छठा क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर दैट इज 2 ओम, 2 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, मतलब हमें यहां पर टोटल करंट का वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात यह है द वैल्यू ऑफ आई विल बी, ठीक है ना, यहां से करंट कितना फ्लो होगा। देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखें तो हमें यहां पर दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है 1 और ये 2 और ये 2 और ये 4, इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये यहां पर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। इट मीन्स यहां पर 8 ओम में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम लोग इस वाले पार्ट को यहां से हटा सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट 1 और ये 2 यानी 3 ओम आ गया और ये 2 और 4 यानी 6 ओम आ गया, ठीक है, और फिर ये 6 ओम एंड 3 ओम ये हो गए पैरेलल में, तो 3 × 6 / 3 + 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ओम, ठीक है, 18/9 मतलब 2 ओम। इट मींस यहां इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस आ चुका है 2 ओम, ठीक है बच्चों यहां तक। अब देखो ये 2 ओम है, ये 6 ओम, ये 10, ये 4 और ये 12, ठीक है। तो अब यदि हम लोग देखें तो वापस से यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है विच इज बैलेंस्ड ऑल्सो, 2/6 दैट इज 1/3 और 4/12 दैट इज ऑल्सो 1/3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इस वाले रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो 2 ओम एंड 4 ओम ये हो गया 6 ओम और ये 6 ओम एंड 12 ओम ये हो गया 18 ओम, ठीक है। अब ये 18 और 6 पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 18 × 6/18 + 6 कर देंगे, ठीक है, ये आएगा 18 × 6/24 ये आएगा बाई 4 यानी 18/4 आ रहा है यानी 9/2, मतलब 9/2 4.5 हो गया, ठीक है, तो 4.5 ओम, मतलब इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस है 4.5। और अब ये सीरीज में इसके तो 4.5 + 2 यानी 6.5 ओम और 6.5 की हमारी बैटरी है, तो करंट का वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 1 एम्पियर। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 1 एम्पियर करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस वायर। ओके, सो आई का वैल्यू यहां पर आएगा 1 एम्पियर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां प्रश्न, देखते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन और यहां पर आपसे कहा गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर, ठीक है, व्हेन टू डाई इलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज दैट इज एप्सिलॉन 1 का वैल्यू यहां पर 2 है और एप्सिलॉन 2 का वैल्यू यहां पर 4 है, मतलब आपको यहां पर इनके वैल्यूज जो हैं दिए गए हैं और आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेयर्स एज शोन इन द फिगर, देन द कैपेसिटेंस बिकम्स C2। अब कैपेसिटेंस हो चुका है C2, तो C2 अप और C1 का रेशियो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग बात करें C1 की तो C1 बड़ा सिंपल सा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। C1 डी डिस्टेंस है और ये वाला पार्ट इसका एरिया हमने क्या कहा ए, ठीक है, या एस मान लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है हमारा C1। अब बात कर लेते हैं C2 की, तो C2 के लिए हमको पता है कि अब यहां पर आपको देखना होगा कि C2 है डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि एक कैपेसिटेंस है C', ये C" और ये C" ठीक है, तो अगर C' और C" की बात करें तो ये एक दूसरे के सीरीज में और फिर इन दोनों के पैरेलल में, ये वाला पार्ट पैरेलल में, ठीक है। तो अगर C' की बात करें ये आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एरिया भी हाफ हो
हो चुका है, डिस्टेंस भी हाफ हो चुका है, ठीक है। ये है टोटल डी, ये है डी बाई टू, इट मीन्स ये होगा डी डी बाई टू, ओके। और साथ ही साथ इस वाले पार्ट का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो है एप्सिलॉन वन, दैट इज टू। सो टू से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर सी डैश का वैल्यू आपको मिल रहा है टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और सी डबल डैश की बात करें, मतलब इस वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कुछ इसी फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया और डिस्टेंस दोनों ही हाफ हो चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एप्सिलॉन टू का वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज फोर। सो इट विल बी फोर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो हमको पता है कि सी वन सी टू वन सी वन प्लस सी टू से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी तो कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा टू एंड फोर। सो टू इंटू फोर अपॉन टू प्लस फोर, फोर टू जा एट आ जाएगा और ये आ जाएगा सिक्स, मतलब फोर बाई थ्री, ओके। सो सी वन और सी डबल डैश, सी डैश और सी डबल डैश को अगर सीरीज में देखें हम लोग, तो यहां पर आपको मिल जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट विल बी फोर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बात कर लेते हैं सी ट्रिपल डैश की, तो सी ट्रिपल डैश की बात करें, ये आ रहा है सी डैश एंड सी डबल डैश का रिजल्टेंट, ठीक है। सी ट्रिपल डैश की बात करें, तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एरिया यहां पर हाफ हो चुका है ए बाई टू, डिस्टेंस यहां पर डी है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर एप्सिलॉन वन का वैल्यू कितना है, टू। सो टू से यहां पर मल्टीप्लाई और कर दिया, तो यहां पर सी ट्रिपल डैश का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी आ रहा है। अब ये सी ट्रिपल डैश इन दोनों के पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो हम लोग इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको सी टू का वैल्यू मिल जाएगा। सो फोर बाई थ्री यहां से वन है, सो फोर बाई थ्री प्लस वन ये आएगा सेवन बाई थ्री, ओके। तो सी टू का वैल्यू, सी टू का वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, सी टू का वैल्यू आएगा सेवन बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, ठीक है यहां तक। अब देखो, अब ये हमसे कह रहा है कि C2 अपॉन C1 चाहिए, तो C2 ये रहा, C1 ये रहा, डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन इनटू ए अपॉन डी कैंसिल आउट, रह क्या गया 7 बाई थ्री। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 7 बाई थ्री, इट मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, ओके। एंड यहां पर आपसे कहा गया कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, द स्पेस इनसाइड द सिलेंडर इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ, which one of the following graph best describes the subsequent variation of magnitude of current density at any point in the material। to bachcho yahan par sabse pehle to hum log iska jo diagram ban sakta hai wo draw kar lete hain। bahut bada ek cylinder hai infinite length ka, theek hai, aur iske center yani axis ke upar ek wire rakha hua hai jiska charge density hai lambda, ठीक है। ये कब है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके सारे स्पेस को फिल कर दिया है यहां पर एक मटेरियल से जिसका कंडक्टिविटी है सिग्मा और परमिटिविटी है एप्सिलॉन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपसे यहां पर कहा गया है कि सबसिक्वेंट वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल। अब बच्चों चार्ज कहां पर है, यहां पर है, तो हमें बताया कि वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर पर होता है टू के लैम्ब्डा अपॉन आर, वैक्यूम की बात करें तो, ठीक है ना। और अगर किसी मटेरियल की बात करें तो उस केस में वन मिनट,
ओके ठीक है, मटेरियल की बात करें तो उस केस में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन इनटू आर। इस फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा अगर मटेरियल यहाँ पर हमने फिल कर दिया है तो। ओके ठीक है, के लैम्डा अपॉन आर ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है बच्चों जे क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जे की तो सिग्मा ई का वैल्यू यहां पर आ रहा है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन इनटू आर। तो अगर केवल आर और जे के बीच ग्राफ पूछता तो हम लोग यहां पर बहुत आसानी के साथ वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन टाइम के साथ जे का ग्राफ पूछा जा रहा है। यहां पर जे क्या है, करंट डेंसिटी। ओके, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है कि इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर के परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस वायर का जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली बाहर की ओर शिफ्ट होता रहेगा। इट मीन्स टाइम के साथ इसका चार्ज लगातार कम होता रहेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट लें, मान लो कि हमने इस वाले सिलेंडर की इमेजिनेशन की, वास्तविक सिलेंडर यह है। ठीक है, तो इस वाले सिलेंडर की मैं अगर बात करूं, यह हमारा ओरिजिनल वाला इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, और यहां पर मैंने ले ली लेंथ L, और इस वायर से डिस्टेंस R पर एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर करंट आपको पता है कहां होगा, ऊपर की ओर, अगर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज वायर के तौर पर लिया है तो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा बाहर की ओर, इट मीन्स करंट का भी फ्लो होगा बाहर की ओर। अब हमें चाहिए यहां पर करंट डेंसिटी। अब देखो बच्चों, लैम्डा जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो अगर हम लोग बात करें डी क्यू अपॉन डी टी की, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, करंट। और करंट को मैं यहां पर लिख सकता हूं जे इंटू ए की फॉर्म में। ठीक है, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, और क्यू को मैं लिख सकता हूं बच्चों इस लेंथ पर टोटल चार्ज की मैं अगर बात करूं, लेट दिस इज क्यू, तो ये आएगा बच्चों लैम्डा इंटू एल आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी, ये आएगा जे। और एरिया की बात करूं तो यहां पर हमें लेना होगा इस कर्व पार्ट का सरफेस एरिया, दैट इज टू पाई आर एल, टू पाई आर एल। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर देखें तो एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, एल से एल यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, और हमें जे चाहिए टी की टर्म्स में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लैम्डा टी की टर्म्स में ले आऊं तो लैम्डा का वैल्यू फिर मैं यहां पर रख के जे का वैल्यू टी की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या करना होगा हमें। अब यदि हम लोग देखें तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चों डी लैम्डा। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहां से आपको डी लैम्डा का वैल्यू मिल रहा है, दैट इज जे इंटू टू पाई आर इंटू डी टी, और जे का वैल्यू हम लोग यहां से रख सकते हैं। सो डी लैम्डा ये आएगा बच्चों जे का वैल्यू सिग्मा लैम्डा अपॉन टू पाई, सिग्मा लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन, और ये आ रहा है ऊपर टू पाई आर, और ये आ रहा है डी टी। तो टू पाई आर से टू पाई आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा को यहाँ ले आइए, और इसके बाद इंटीग्रेशन करके हम लोग यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा बच्चों डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, और ये यहां पर आ रहा है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी टी। इंटीग्रेशन किया एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जो करंट सॉरी चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा नॉट। ठीक है, और टी टाइम पर डेंसिटी है लैम्डा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये आएगा बच्चों लॉग बेस ई लैम्डा, लिमिट भी हम लोग यहां पर रख दें तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट आ जाएगा,
और इसका किया इंटीग्रेशन तो ये आएगा सिग्मा एप्सिलॉन और टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी माइनस जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्ब्डा नॉट ई की पावर। अच्छा एक बात और यहाँ पर बच्चों, कि चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कम हो रहा है, चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कम हो रहा है, इट मीन स्टार्टिंग में ही हमें यहां पर डी क्यू अपॉन डी टी को माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज उस वायर के ऊपर कंटिन्यूसली कम हो रहा है, इट मीन आपको यहां पर माइनस का साइन साथ लेकर चलना पड़ेगा। सो माइनस यहां भी आएगा बच्चों, ओके, सो फाइनली माइनस यहां भी आएगा, इट मीन देन यू विल गेट लैम्ब्डा इज इक्वल टू लैम्ब्डा नॉट ई रेस टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी आ जाएगा। लैम्ब्डा का वैल्यू हम लोग यहां पर रख के जे का डिपेंडेंसी टाइम के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां से आपको मिल रहा है सिग्मा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन आर, लैम्ब्डा का वैल्यू यहां से ले लीजिए, लैम्ब्डा नॉट ई रेस टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी, ओके। तो यहां पर जे जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जे और यहां पर टी एक्सपोनेंशियली कम होगा, टाइम का वैल्यू जब जीरो लिया तब हमें जे मिल जाएगा ये वाला पार्ट, और टाइम के साथ फिर ये कम होगा, और क्योंकि अब हमको पता है कि फाइनली सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर चला जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इनर वाले पार्ट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज हमने दिया है, आउटर वाले पार्ट का पोटेंशियल कम होता है, तो चार्ज का फ्लो अंदर वाले वायर से बाहर वाले सरफेस पर, सिलेंडर के बाहर वाले सरफेस पर चला जाएगा, ओके। सो फाइनली अंदर वाले पार्ट पर चार्ज जीरो, यानी उस वायर के ऊपर फाइनली चार्ज का वैल्यू होगा जीरो, ठीक है। तो यहां पर ये ग्राफ इस टाइम टी पर जे का वैल्यू फाइनली जीरो कर देगा। एक्सपोनेंशियल वाले दो ग्राफ हमें ऑप्शंस के अंदर दिए गए हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से थे। ओके, एक तो ये था फर्स्ट वन, एक ये था सेकंड वन। सेकंड वन में आपसे कहा गया है कि चार्ज का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा बल्कि कॉन्स्टेंट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, चार्ज का वैल्यू फाइनली जीरो होगा, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ओके, क्योंकि सारा चार्ज अंततया बाहर वाले सरफेस पर चला जाएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, और इसमें आपसे कहा गया है कंसीडर टू आइडेंटिकल गैल्वेनो ऑफ एंड टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनो इज आर सी दैट इज लेस देन आर बाई टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनी वन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज ट्रू, ठीक है। तो हमें यहां पर चेक करना है कि उन दोनों गैल्वेनोज में से किसी एक गैल्वेनो के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑप्टेन व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सभी कंपोनेंट्स को हम लोग सीरीज के अंदर ऐड कर दें तो उस केस के अंदर हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेंज गेन होगी। देखते हैं, यहां पर एक एक ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा, दो गैल्वेनो है और दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और गैल्वेनो का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनो इज आरसी, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम लोग सबको सीरीज में जोड़ दें, ये गैल्वेनो, ये भी गैल्वेनो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आरसी आरसी, इसका आर इसका आर, ठीक है। तो उस केस में अब यहां पर हमें वोल्टेज, क्या हमें यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज मिल रही है क्या, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर सीरीज में हमने इनको ऐड कर दिया है
करंट का वैल्यू यहां पर जाएगा आईजी, इसमें भी जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि यहां पर टोटल वोल्टेज जो आपको गेन होगा वी टोटल, वो होगा बच्चों आई टू आई जी आर सी प्लस टू आई जी आर, ठीक है। ये होगा आपका वोल्टेज का वैल्यू, दैट इज टोटल वोल्टेज। ओके बच्चों, और साथ ही साथ आपको यहां पर कहा गया है कि आर सी का जो वैल्यू है वो आर बाई टू से कम है, ठीक है ना। तो हम लोग इस आर सी का वैल्यू मान लेते हैं कि ये है आर बाई थ्री, लेट सपोज, ठीक है। तो यहां से आपको मिल रहा है टू आई जी आर बाई थ्री प्लस ये आ रहा है टू आई जी आर, ठीक है ना। सो थ्री, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा आपको थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट बाई थ्री आ रहा है आई जी इन टू आर, ठीक है। यहां से हम लोग अगर आई जी आर को ले ले कॉमन, तो उस केस में एट बाई थ्री आई जी आर, ये आ रहा बच्चों आपको टोटल वोल्टेज, ठीक है, एट बाई थ्री आई जी आर। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि सेकंड वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है, ठीक है, एट बाई थ्री। अब देखो सेकंड वाले ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेंड व्हेन द टू रेजिस्टर्स एंड वन गैल्वेनो आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेकंड गैल्वेनो इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट वन, फर्स्ट गैल्वेनोमीटर। यानी कि तीनों को अगर सीरीज में ऐड किया जाए और चौथा वाला जो गैल्वेनो है, या यूं कहें गैल्वेनो जो है वो पहले वाले के पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो उस केस के अंदर वोल्टेज रेंज मैक्सिमम गेन होगी। और उसके बाद है करंट रेंज वाले ऑप्शन। तो पहले हम लोग यहां पर वोल्टेज रेंज वाले ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमें यहां पर क्या कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया, दैट इज आर, दैट इज ऑल्सो आर, और इसके बाद यहां पर गैल्वेनो और इसके पैरेलल में एक और गैल्वेनो, अगर ऐसे हमने कनेक्ट किया, तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों हमको पता है कि यहां पर करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकता है दैट इज आई जी, यहां पर भी आई जी, आई जी और आई जी, मतलब यहां पर आपको करंट मिल जाएगा टू आई जी। अब हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टोटल वोल्टेज देख लेते हैं, ये आर, ये भी आर, ठीक है, ये आर सी, ये भी आर सी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि यहां पर टोटल वोल्टेज ये आएगा बच्चों आर प्लस आर टू आर, इट मीन्स फोर आर आई जी, ये तो हो गया इन दोनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। अब बात कर लेते हैं यहां पर, तो यहां पर हमको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू यहां पर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, जितना वोल्टेज यहां पर उतना वोल्टेज यहां पर, इट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज आपको गेन होगा आई जी इंटू आर सी, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज यहां पर गेन हुआ दिस प्लस दिस। ओके, अब हम लोग यहां पर आर सी का वैल्यू अगर आर बाई थ्री लेकर कंपेयर करें, तो उस केस में आपको यहां पर टोटल वोल्टेज का वैल्यू जो मिलेगा दैट इज फोर आर आई जी प्लस आई जी इंटू आर बाई थ्री, आई जी इंटू आर बाई थ्री, ठीक है। तो ये आ रहा है बच्चों थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस वन, यानी थर्टीन बाई थ्री आ रहा है आई जी इंटू आर। तो पहले वाले के कंपैरिजन में पहले था एट बाई थ्री, अब आ रहा है थर्टीन बाई थ्री। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर सही साबित होगा, उस केस में हमें यहां पर वोल्टेज रेंज ज्यादा मिल रही है। ओके बच्चों, सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं करंट रेंज के लिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को यहां पर पहले हम लोग सही कर देते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग यहां पर अपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं थर्ड
ऑप्शन में आपसे कहा गया कि द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सभी कंपोनेंट्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उस केस के अंदर आपको मैक्सिमम करंट रेंज मिलेगी। तो देखते हैं, अगर सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, लेट दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज गैल्वेनोमीटर दैट इज आर सी, एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर दैट इज ऑल्सो आर सी, और इन सबको अगर हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर करंट जा रहा है आई जी, इसमें भी मैक्सिमम करंट जा सकता है आई जी, और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई और यहाँ से आई, तो टोटल करंट यहाँ से मिल रहा है आई नेट। अब देखो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि I into R का वैल्यू आपको मिल जाएगा आई जी इंटू आर सी, सो फ्रॉम हियर I का वैल्यू आएगा बच्चों आई जी आर सी अपॉन R, ठीक है, ये आएगा I का वैल्यू। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टोटल करंट का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आपको I नेट का वैल्यू मिल जाएगा I प्लस आई यानी 2I, और ये आ रहा है 2IG, तो 2I, I का वैल्यू आई जी आर सी अपॉन आर प्लस 2IG, ये आ रहा है बच्चों आई नेट का वैल्यू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आर सी जो है वो आर बाई टू से कम लिया गया है, तो अगर आर बाई सी का वैल्यू मैं वापस से यहाँ पर आर बाई थ्री ले लूँ, तो उस केस में आपको यहाँ पर आई नेट का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज आई नेट दैट इज 2IG एज इट इज आर सी का वैल्यू आर बाई थ्री, और ये आ रहा है आर, ठीक है, ये आ रहा है 2IG। अब देखो बच्चों, ठीक है, आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/3IG प्लस 2IG, ये आएगा बच्चों 3 × 6, 6 + 2, 8, 8/3IG आ रहा है, दैट इज आई नेट, ठीक है, 8/3IG आ रहा है आई नेट का वैल्यू। अब देखते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है, तो 8/3IG, ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन में, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, फोर्थ वाले ऑप्शन में आपसे यहां पर कहा गया है कि द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन व्हेन द टू गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ द रेजिस्टर्स, ठीक है, अगर दोनों गैल्वेनोस को सीरीज में ऐड कर दें और फिर उस कनेक्शन को हम लोग बाकी दोनों के साथ पैरेलल में ऐड कर दें, तो देखते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो बच्चों ये था 8/3IG, 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 that was I net। अब देखते हैं कि अगर दोनों गैल्वेनोस को सीरीज में कनेक्ट कर दें और रेजिस्टेंस को जोड़ दें पैरेलल में, ठीक है, तो उस केस में आई नेट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो बच्चों हमको पता है कि यहाँ पर करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो है आई जी, और यहाँ पर करंट मान लीजिए आई जा रहा है, यहाँ पर भी आई जा रहा है, ये आर रेजिस्टेंस आर सी, ठीक है, तो पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ और यहाँ पर सेम रहेगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, तो आई जी आर सी, आई जी आर सी मतलब 2IGRC, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है I into R, तो यहाँ से हमें R का वैल्यू, सॉरी I का वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 2IGRC अपॉन R, तो ये है हमारा करंट I। अब अगर टोटल करंट की बात करें तो IG यहाँ पर और 2I ये, तो IG प्लस 2I, दैट इज I net हियर, ओके, IG IG as it is रख दीजिए, और 2 I का वैल्यू यहां से ले लीजिए 2IG RC अपॉन R, 2IG
आर सी अपॉन आर। अब आर सी का वैल्यू यदि हम लोग आर बाई थ्री के आसपास ले या आर बाई थ्री ले, तो आर बाई थ्री लू इसको, ठीक है, तो आर से आर यहाँ पर कैंसिल, ये आ रहा है टू बाई थ्री यानी फोर बाई थ्री, ठीक है, और फोर बाई थ्री प्लस वन, ठीक है, तो सेवन बाई थ्री। सो आई नेट का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है सेवन बाई थ्री आई जी, जबकि पहले था एट बाई थ्री। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा, उस केस के अंदर हमें मैक्सिमम रेंज करंट का गेन हो रहा है, दैट इज 8 बाई थ्री, जबकि इस बार सिर्फ 7 बाई थ्री आई जी ही गेन हुआ है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि थर्ड ऑप्शन यहां पर ठीक होगा। ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, और यहां पर आपसे कहा गया है इन द सर्किट शोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, तो यहां पर हम लोग अगर डायरेक्ट बात करें तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस माइनस 5 वोल्ट एज सून एज द की इज प्रेस्ड द एंड डिस्प्लेस प्लस 5 वोल्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस वोल्टेज का प्लस वाला पॉइंट यहां पर है और माइनस वाला यहां पर दिया गया है, तो अगर जस्ट हमने इसको ऑन किया तो कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहे होंगे, इट मीन्स करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, यहां, ठीक है, करंट का फ्लो यहां होगा और करंट का फ्लो, ठीक है, यहां से भी होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर इसको कहा है कि स्टार्टिंग में ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा होगा, तो अगर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो 5 वोल्ट जो कि यहां पर ड्रॉप होगा और 5 वोल्ट यहां पर भी ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट का यहां पर कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहां पर 5 वोल्ट आएगा, और यहां पर बात करें तो स्टार्टिंग में यह है शॉर्ट सर्किट, तो सारा का सारा 5 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा, इट मींस यहां पर आएगा 0 वोल्ट, ठीक है, तो ये 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। लेकिन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वोल्टेज की जो कनेक्ट वोल्ट मीटर की जो कनेक्टिविटी है वो है ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इट मींस हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर डिस्प्लेस माइनस 5 वोल्ट, अगर ऊपर, क्योंकि ये ऊपर प्लस 5 वोल्ट और नीचे 0 है, ठीक है, इट मींस ये एक्चुअल रीडिंग का अपोजिट हमें यहां पर शो करेगा, ठीक है, 5 वोल्ट शो तब करता जब ये प्लस वाला पॉइंट ऊपर होता और माइनस वाला पॉइंट नीचे होता, लेकिन अभी ये अपोजिट सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में ये हमें माइनस 5 वोल्ट शो करेगा। ओके, माइनस 5 वोल्ट हमें शो करेगा, और अगर हम लोग बात करें इट डिस्प्लेस प्लस 5 वोल्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद हमको पता है कि कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे ये और ये, ठीक है, तो कैपेसिटर जब चार्ज हो चुके होंगे तो हमको पता है कि यहां से और यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इट मींस प्लस 5 वोल्ट यहां पर होगा, ठीक है, और प्लस 5 वोल्ट में से और यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और अगर यहां की बात करें तो यहां पर, ओके, तो करंट का फ्लो यहां से नहीं होगा और यहां से भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर आएगा 5 वोल्ट। ओके बच्चों, और साथ ही साथ हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम देयर विल बी प्लस 5 वोल्ट, कैसे, क्योंकि अगर काफी टाइम के बाद हम लोग देखें तो ये कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे, और साथ ही साथ हमको पता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, इट मींस देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस एंड थ्रू एनी ऑफ द ब्रांच। ओके,
तो यहां पर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल में है, और इस पार्ट के पैरेलल में इट मींस प्लस 5 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा और प्लस 5 वोल्ट ही यहां पर ड्रॉप होगा। तो बच्चों अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो यहां पर प्लस 5 वोल्ट ड्रॉप हो चुका है, इट मींस यहां पर वोल्टेज होगा बच्चों 0 वोल्ट, और यहां पर करंट का फ्लो नहीं हुआ है, इट मींस यहां पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इस पॉइंट का वोल्टेज होगा प्लस 5 वोल्ट। अब ये प्लस वाला पॉइंट है और यहां पर प्लस 5 वोल्ट आ रहा है और यहां पर आ रहा है 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि अब इसका रीडिंग क्या होगा, प्लस 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता हमारा सेकंड ऑप्शन, और यहां पर आपसे कहा गया कि द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू LN2। इस टाइम के ऊपर वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो होगा 0। देखते हैं वोल्ट मीटर का रीडिंग हमें चाहिए 0। ठीक है, वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 चाहिए, इट मीन्स यहां पर और यहां पर वोल्टेज का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि इस टाइम के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू यहां पर V है, तो यहां पर आएगा 5 माइनस V वोल्ट, और यहां पर भी V वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, तो यहां पर भी 5 माइनस V वोल्ट ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल में और 5 वोल्ट के साथ भी ये पैरेलल में। ओके, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, हम लोग यहां पर कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो चार्जिंग वाला जो इक्वेशन है वो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चार्जिंग वाला इक्वेशन हम लोग यहां पर अगर यूज करें तो ये आएगा बच्चों 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, टी का वैल्यू जब 0 है तो 1 माइनस 1 0, इट मीन स्टार्टिंग में इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यदि RC की बात करें यानी टाइम कांस्टेंट की बात करें तो दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि यहां पर R और C का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, R और C का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा बच्चों, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 किलो ओम और ये 40 माइक्रो। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आ रहा है 1000। ठीक है, और ये आ रहा है माइक्रो यानी 10⁻³ रह जाएगा, सो 1 आ रहा है, इट मीन्स RC का वैल्यू यहां से भी 1 आएगा और इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से भी RC का वैल्यू 1 आएगा, इट मीन्स दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट का वैल्यू सेम है। यहां तक तो ठीक है, अब क्या कहा कि टी बराबर LN2 सेकंड पर वोल्ट मीटर 0 वोल्ट दिखाता है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इस वाले कैपेसिटर के लिए, तो यहां पर अगर चार्ज की बात करें तो क्यू नॉट का यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्यू नॉट होगा यहां पर सी का वैल्यू 40 माइक्रो और वी का वैल्यू यहां पर आएगा फाइनली 5 वोल्ट। ओके, तो ये आएगा 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्यू नॉट का वैल्यू यहां पर और यहां पर सेम ही आएगा, क्योंकि फाइनली दोनों का चार्ज यहां पर, ओके क्यू नॉट का वैल्यू यहां पर आएगा 200 माइक्रो कूलम, और यहां की बात करें तो यहां पर आएगा इसका हाफ, क्योंकि ये कैपेसिटेंस हाफ है। ठीक है, तो क्यू नॉट डैश ये आएगा 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है दैट विल बी 0। कैसे होगा? इसके ऊपर वोल्टेज की बात करें तो V होगा Q अपॉन C। ठीक है, और Q का वैल्यू Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन RC अपॉन C आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो। अब इस पर वोल्टेज आ रहा है 5 माइनस V, तो देखते हैं इसको, यहां पर वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है 5 माइनस V। सो फ्रॉम हियर वी विल सी कि 5 माइनस V वोल्टेज ये आएगा Q अपॉन C यानी Q नॉट डैश 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन C, और C का वैल्यू यहां पर 20 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग अगर यहां से V का वैल्यू
अगर हम लोग यहाँ से v का वैल्यू रख दे यहाँ पर, तो उस केस में हमको यहाँ पर टाइम का वैल्यू मिल जाएगा कि किस टाइम पर वोल्टेज रीडिंग जीरो होगी। ओके बच्चों, तो v का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करें और सॉल्व करें तो t का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। देखो ये आ रहा है 5 माइनस v का वैल्यू यहाँ से q नॉट अपॉन c, q नॉट का वैल्यू 200 और q नॉट अपॉन c का वैल्यू 5 वोल्ट ही आएगा। जाहिर सी बात है q नॉट अपॉन c का वैल्यू क्या आएगा, 5 वोल्ट। तो मैं इसको डायरेक्टली ही लिख देता हूँ, ये आ रहा है 5 माइनस v, v का वैल्यू यहाँ से ये आएगा 5 इंटू 1 माइनस e रेस्ट टू माइनस t, ठीक है। 5 v का वैल्यू यहाँ रखा, ये आ रहा है क्यू नॉट डैश अपॉन 20, इसका वैल्यू भी 5 वोल्ट ही आएगा, क्यू नॉट डैश अपॉन 20। ओके ओके, वन मिनट, इसको अगर सॉल्व करें ठीक है, क्योंकि फाइनली जो वोल्टेज होगा वो सेम ही होगा। ओके सो ये भी आएगा 5 वोल्ट, सो ये आ रहा है 5 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो इसको यहाँ ले आओ और ये 5 थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 1 1 और ये भी 1, तो ये आ रहा है बच्चों 1, और इसको यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा डबल 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 2 ई रेज टू माइनस टी, इसको यहाँ ले आएंगे तो 2 ई रेज टू माइनस टी और ये आएगा 2 और माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 बाई 2 ई रेज टू माइनस टी बराबर 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से e रेज टू माइनस टी दैट इज 1 बाई 2, सो e रेज टू टी बराबर 2 आ जाएगा, तो t का वैल्यू ln 2। सो एट दिस टाइम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0, सही है, मतलब ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, सेकंड ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट भी हमारा ठीक था। उसके बाद आपसे कहा गया है कि द करंट इन द एमिटर बिकम्स 1 बाई ई ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकंड। यहां पर 1 सेकंड के बाद एमिटर में करंट स्टार्टिंग वैल्यू का 1 बाई ई हो जाएगा, इसमें करंट का वैल्यू 1 सेकंड के बाद 1 बाई ई हो जाएगा। तो पहले तो हमको बच्चों यहां पर टोटल करंट का वैल्यू रखना पड़ेगा। यहां पर करंट मान लीजिए I1 है और यहां पर करंट I2 है, तो I1 प्लस I2 का वैल्यू टोटल करंट आएगा। फिर हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा कि 1 सेकंड के बाद ये टोटल करंट कितना है। तो बच्चों देखते हैं, ओके, तो यहां पर अगर बात करें तो चार्ज का वैल्यू हमारे पास था ही, ठीक है, और I1 बच्चों क्यू ये आ रहा था क्यू नॉट और 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी। तो अगर हम लोग करें यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट I1, ये आएगा बच्चों I1, डिफरेंशिएशन करने पर आपको यहाँ पर I1 मिल जाएगा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा क्यू नॉट, ये आएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी, ठीक है। तो ये आ रहा है I1, सिमिलरली यहाँ पर I2 का भी वैल्यू आपको मिल जाएगा, I2 का वैल्यू आएगा क्यू नॉट डैश ई रेज टू माइनस टी, ठीक है बच्चों। अब I1 प्लस I2 दैट विल बी I नेट, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अब I नेट का वैल्यू I1 प्लस I2 दैट इज क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी प्लस क्यू नॉट डैश ई रेज टू माइनस टी, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग वाले करंट का 1 बाई ई टाइम हमें
मिलेगा करंट का वैल्यू। तो पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि स्टार्टिंग में करंट का वैल्यू क्या होगा, लेट इट इज I नॉट, स्टार्टिंग मतलब T का वैल्यू जीरो, T का वैल्यू जीरो, ठीक है। तो यहां पर T का वैल्यू जीरो हो रखा तो करंट मिल रहा है Q नॉट डैश, ठीक है। और ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद आपको स्टार्टिंग वाले करंट का 1/E टाइम्स मिलेगा। तो 1 सेकंड, तो T की जगह 1 सेकंड रखा तो यहां से आपको I नेट का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों क्यू नॉट अपॉन ई, और ये भी आएगा क्यू नॉट अपॉन ई, ये आ जाएगा क्यू नॉट डैश अपॉन ई। सो फ्रॉम हियर डेफिनेटली वी कैन सी कि स्टार्टिंग वाली करंट का 1/E टाइम्स हमें मिल रहा है। एलसीएम ले लें तो यहां पर 1/E आ जाएगा क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट डैश, ओके, दैट इज आई नेट आफ्टर 1 सेकेंड, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि थर्ड ऑप्शन भी यहां पर सही होगा। और उसके बाद है लंबे समय के बाद एमिटर में धारा का मान शून्य हो जाएगा, द करंट इन द एमिटर बिकम जीरो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सही बात है, क्योंकि काफी टाइम के बाद जब ये चार्ज हो चुके होंगे, कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे, तो उस केस के अंदर अब न तो करंट यहां से फ्लो होगा और न ही इस वोल्ट मीटर से करंट फ्लो हो सकता है, बिकॉज इट इज आइडियल वोल्ट मीटर कंसिडर हमने किया है, ठीक है। तो करंट का वैल्यू फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके बच्चों। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके बच्चों। ओके बच्चों, इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है पैराग्राफ, और यहां पर दिया गया है कंसिडर ए सिलेंड्रिकल चैम्बर ऑफ हाइट एच हैविंग रिजिड कंडक्टिंग प्लेट्स एट द एंड्स एंड एन इंसुलेटिंग कर्व सरफेस एज शोन इन द फिगर। डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, लाइक दिस, ठीक है। तो ओके, ए नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स मेड ऑफ लाइट वेट एंड सॉफ्ट मेटेरियल कोटेड विथ कंडक्टिंग मेटेरियल आर प्लेस ऑन द बॉटम प्लेट। द बॉल्स हैव ए रेडियस आर विच इज वेरी वेरी लेस देन एच। Now a high voltage source that is HV is connected to the conducting plate such that the bottom plate is at plus V0 and the top plate is at minus V0. Due to their conducting surfaces, the ball will get charged and will become equipotential with the plate and are repelled by it. मतलब यहाँ पर कहा गया है कि bottom वाले part पर जो potential है वो है plus V0 और ऊपर वाला जो part है सर्कुलर पार्ट उसके ऊपर है वोल्टेज माइनस वी नॉट। और जब स्फेरिकल बॉल्स उन सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उनका भी पोटेंशियल उतना ही होता है जितना इन सरफेस का है, जिसकी वजह से वो उस प्लेट से रिपेल होती है, ठीक है। रिपेल बाय इट द बॉल्स विल इवेंचुअली कोलाइड विद द टॉप प्लेट वेयर द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी टेकन टू बी जीरो। Due to the soft nature of the material of the balls, the electric field in the chamber can be considered to be that of a parallel plate capacitor. इसके अंदर जो electric field है उसको हम लोग parallel plate capacitor की तरह मान सकते हैं। Assume that there are no collisions between the balls and interaction between them is negligible. Ignore gravity. ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। पहला स्टेटमेंट है हमारा द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विद। देखो बच्चों, यहां पर हमें डायग्राम में कहा गया है कि नीचे वाली जो है प्लेट उसके ऊपर है प्लस वी नॉट पोटेंशियल और इस पर है माइनस वी नॉट। तो जब बॉल्स यहां पर है तो उनका भी पोटेंशियल प्लस वी नॉट होगा, जिसके कारण वो यहां से रिपेल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगा, इट मींस ऊपर की ओर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी क्यू इंटू वी। और हम लोग चाहें तो यहां पर E को भी
लिख सकते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2V0। ठीक है, तो ये आएगा 2V0 अपॉन हाइट लेट इट इज h। ठीक है, h आ जाएगा, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है q2V0 h और ये m। ठीक है, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल्स। और इस एक्सेलरेशन के साथ जब ये बॉल ऊपर की ओर जाएंगी तो हमको पता है कि इस वाली प्लेट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहां पर बॉल्स पर चार्ज था पॉजिटिव, लेकिन जब वो इस बॉल इस प्लेट के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगी तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि कॉलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, बिकॉज ई का वैल्यू यहां पर जीरो दिया गया है। और जब यहां पर आकर इसके ऊपर चार्ज माइनस भी और इस बॉल का भी वोल्टेज माइनस वी नॉट होगा, तो उस केस में वापस से यहां से रिपेल होगी और नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि बॉल जिस चार्ज के साथ ऊपर आए उसके जस्ट अपोजिट चार्ज के साथ नीचे की ओर जाएंगी, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। तो जितने चार्ज के साथ ऊपर गई उतने ही चार्ज के साथ नीचे आएंगे, लेकिन चार्ज अपोजिट होगा। ओके, तो यहां पर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। उसके बाद द बॉल विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो ये इस वाली प्लेट से रिपेल होगी और नीचे की ओर वापस जाएगी। सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द प्लेट, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर दिख रहा है कि फोर्स केवल एक ही डायरेक्शन में यहां पर एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर, हालांकि जब माइनस चार्ज आएगा तो उस केस में बॉल्स पर फोर्स नीचे की ओर भी होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी मीन पोजिशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मीन पोजिशन इज नॉट देयर, इट मीन फ्रॉम हियर वी कैन से देयर विल नॉट बी एनी SHM। ओके, द बॉल विल, ओके सो ये भी हो गया रॉन्ग, द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विद, उसी चार्ज के साथ वो वापस नीचे की ओर आएंगी, ऐसा नहीं होगा। प्लस चार्ज के साथ ऊपर गई माइनस चार्ज के साथ नीचे आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ये पैराग्राफ दे दिया गया है वापस से, 12th क्वेश्चन, और इसमें आपसे कहा गया है एवरेज करंट ऑफ द स्टेडी स्टेट इज रजिस्टर्ड बाय द एमिटर इन द सर्किट विल बी। अब यहां पर करंट जो होगा वो पोटेंशियल के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये यहां पर हमें चेक करना है। तो बच्चों हमको पता है एवरेज करंट की बात करें तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज का जो चेंज होगा वो होगा 2q। ठीक है, क्योंकि एक राउंड में उसने अपना चार्ज यहां पर चार्ज था अगर प्लस क्यू तो यहां पर चार्ज हो गया माइनस क्यू। ठीक है, और वापस यहां पर जाकर प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज का जो वेरिएशन हुआ है वो हुआ है 2q और टाइम हमने यहां पर लिया है टी। ठीक है, लेकिन अगर केवल ऊपर जाने की बात करें हम लोग, अगर केवल ऊपर जाने की बात करें, ओके तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम टूटी होगा, टू से टू कैंसिल, ओके तो आई एवरेज ये आएगा बच्चों क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां से लेकर यहां तक वापस जाने में जो टाइम लगेगा, अगर टी टाइम यहां तक का लिए तो टी टाइम नीचे का भी यानी 2t टाइम होगा। ठीक है, तो यहां पर आई एवरेज आएगा क्यू अपॉन टी, यहां तक तो ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर क्यू जो है, क्यू होता है CV, सो फ्रॉम हियर वी कैन से क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट होगा। और बात कर रहे हैं अगर टाइम की, तो टाइम का वैल्यू यहां पर क्या होगा, तो बच्चों एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ये आया था बच्चों इस क्यू को मैं कैपिटल क्यू की फॉर्म में लिख रहा हूं, ई जो है ये आया था बच्चों वी अपॉन एच। ठीक है, वी नॉट अपॉन टू वी नॉट अपॉन एच, टू वी नॉट अपॉन एच, और ये एम ए। ठीक है, दैट इज दिस वन, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहां से एक्सेलरेशन आ रहा है 2qv0 अपॉन एम इंटू एच।
ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में। तो टाइम की बात करें तो हाफ ए टी स्क्वायर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से टी का वैल्यू मिल जाएगा आपको बच्चों 2h अपॉन a का रूट आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि अगर टाइम की प्रोपोर्शनलिटी वी नॉट के ऊपर देखें। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट हुआ था 2qv0/mh। तो यहाँ से टी 2h/a आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट टी प्रोपोर्शनल टू 1/√a आएगा, ठीक है। और a जो है वो q और v नॉट के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल टू 1/√q and v0। और q जो है वो v नॉट के प्रोपोर्शनल है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहाँ पर जो टाइम आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर का रूट। सो फ्रॉम हियर t प्रोपोर्शनल टू 1/v0 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/v0 आ रहा है और q जो है प्रोपोर्शनल टू v0 आ रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि i प्रोपोर्शनल q प्रोपोर्शनल टू v0 और t प्रोपोर्शनल टू 1/v0। सो v0 ऊपर पहुंचकर दैट विल बी v0 स्क्वायर, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि एवरेज करंट दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ओके बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ओके। एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट कंसिडर ए सिंपल आरसी सर्किट एज शोन इन द फिगर 1 प्रोसेस 1 इन द सर्किट द स्विच एस इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम एंड द कैपेसिटर इज फुली चार्ज टू वोल्टेज वी नॉट दैट इज चार्जिंग कंटिन्यूस फॉर टाइम टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरसी। आरसी यहाँ पर क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट। इट मीन टाइम कॉन्स्टेंट से भी काफी ज्यादा टाइम तक हमने यहाँ पर चार्जिंग की है। इन दिस प्रोसेस सम डिसिपेशन ईडी हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी का यहाँ पर लॉस भी होगा। ईडी अकर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइनली स्टोर्ड इन द फुली चार्ज कैपेसिटर इज ईसी, ओके। फर्स्ट केस में हमने वी नॉट वोल्टेज तक कैपेसिटर को चार्ज किया जिसमें से कुछ हीट डेवलप हुई और कुछ एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में सेव होगी, ईडी और ईसी, ठीक है। एंड वी नो कि ईडी और ईसी का वैल्यू सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग चार्ज करता है तो उस केस के अंदर आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में और आधी एनर्जी कैपेसिटर में सेव हो जाती है, ओके। उसके बाद है बच्चों प्रोसेस 2। इन द डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू वी नॉट बाई 3। पहले केस में हमने वोल्टेज को वी नॉट बाई 3 पर सेट किया एंड मेंटेन्ड ए चार्जिंग टाइम टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरसी। देन द वोल्टेज इज रेज टू 2v0/3 विदाउट डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर एंड अगेन मेंटेन फॉर ए टाइम टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरसी। द प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम बाई रेजिंग द वोल्टेज टू वी नॉट। मतलब हमने क्या किया, पहले वी नॉट बाई 3 तक कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर 2v0/3 तक और लास्ट में 2v0/3 से लेकर वी नॉट पोटेंशियल तक हमने कैपेसिटर को चार्ज किया है। एंड द कैपेसिटर इज चार्ज टू सेम फाइनल वोल्टेज दैट इज वी नॉट एज इन द प्रोसेस 1। दीज टू प्रोसेसेस आर डिपिक्टेड इन फिगर 2, ओके। तो यहां पर हमें फिगर 2 के अंदर इसका जो डायग्राम है वो दिया गया है लाइक दिस। ये है फर्स्ट केस और ये है ओके प्रोसेस 1, ये रहा, और प्रोसेस 2 जो है वो लाइक दिस। पहले हमने इसको वी नॉट तक, देन 2v0 तक एंड देन वी तक चार्ज किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, और टाइम का वैल्यू यहां पर टी, यहां पर भी टी, ठीक है ना, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, ओके बच्चों, तो ये हमारा 13th क्वेश्चन और यहां आपसे कहा गया, अगेन प्रोसेस 1 द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज एसी
and the heat dissipated across the resistance is ED. Then ED और EC के बीच रिलेशन क्या होगा? तो बच्चों ये हम लोग बहुत आसानी के साथ जानते हैं कि कैपेसिटर में सेव अगर एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर, तो बैटरी का इसमें वर्क डन होता है सी वी स्क्वायर. इट मीन्स रिमेनिंग हाफ पार्ट यानी हाफ सी वी स्क्वायर ये हीट की फॉर्म में चेंज होता है और सेव्ड एनर्जी जो है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि सेव्ड एनर्जी और हीट इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ईसी एंड ईडी का वैल्यू सेम होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. ओके बच्चों, इसके बाद आता है हमारा 14th क्वेश्चन और यहां पर आपसे कहा गया कि इन प्रोसेस टू टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ईडी, ईडी के अंदर यहां पर टोटल एनर्जी कितनी डेवलप होगी या हीट कितनी डेवलप होगी ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है. तो बच्चों हमको पता है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर को हमने एक एक प्रोसेस में दी है उतनी ही हीट डेवलप होती है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि हीट का फॉर्मूला दैट इज हाफ सी वी टू माइनस वी वन का स्क्वायर. हर एक प्रोसेस में इतनी इतनी हीट डेवलप होगी. तो तीन बार हमने यहां पर वोल्टेज को चेंज किया, दो बार सॉरी. फर्स्ट केस में हीट हाफ सी वी टू का वैल्यू टू वी नॉट सॉरी वी नॉट बाई थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर. सेकंड केस में हाफ सी वोल्टेज का चेंज हुआ टू वी नॉट बाई थ्री फ्रॉम वी नॉट बाई थ्री इसका स्क्वायर. और थर्ड केस में हाफ सी वी नॉट माइनस टू वी नॉट अपॉन थ्री का स्क्वायर. तो इन सब को हम लोग अगर ऐड कर दे तो फाइनली हमें यहाँ पर हीट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि यहाँ पर आएगा दैट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन नाइन और यहाँ पर भी वी नॉट स्क्वायर अपॉन नाइन आएगा और यहाँ पर भी वी नॉट स्क्वायर अपॉन नाइन आएगा. तो ये थ्री टाइम्स यहाँ पर हो रहा है, दैट इज वन बाई टू सी वी नॉट स्क्वायर अपॉन नाइन. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट इट विल बी थ्री. ओके, सो हीट का वैल्यू यहां से आ रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई थ्री हाफ सी वी नॉट स्क्वायर. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. ओके, सो हियर थ्री identical capacitor C1, C2 and C3 have capacitance of 1 microfarad each and they are uncharged initially. They are connected in a circuit as shown in the figure. C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r. ठीक है, हमने यहाँ पर इसके अंदर epsilon r permittivity का material fill कर दिया है. The cell electromotive force is 8 volt. वोल्टेज इसका 8 वोल्ट. फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड. पहले हमने स्विच S1 को किया क्लोज. S1 को किया क्लोज तो उस केस के अंदर ये वाला सर्किट कंप्लीट हो रहा है. तो उस केस में आपको पता है कि इसका भी वोल्टेज 8V पहुंच जाएगा. ठीक है, और 8V अगर पहुंच गया है तो इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू भी हम लोग इस सिचुएशन में फाइंड आउट कर सकते हैं. सो चार्ज होता है CV, तो C का वैल्यू 1 माइक्रोफेरड, वोल्टेज 8. सो फ्रॉम हियर क्यू का वैल्यू 8 माइक्रो कूलाम आएगा इसके ऊपर. फिर S1 इज क्लोज वाइल द S2 इज कैप्ट ओपन व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुली चार्ज S1 इज ओपन. अब S1 को हमने कर दिया ओपन. ठीक है, S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली, उसी टाइम पे हमने इस S2 को किया क्लोज. अब ये वाला सर्किट यहां पर कंप्लीट हो रहा है. स्टार्टिंग में ये प्लेट थी हमारी प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर इस बैटरी का प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है. ठीक है, S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली व्हेन ऑल द कैपेसिटर रीच इक्विलिब्रियम द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रो कूलाम. अब इस केस में जबकि ये कंप्लीटली चार्ज हो चुके हैं या यूं कहें इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम आ चुका है, तब इसके ऊपर 5 माइक्रो कूलाम चार्ज रह जाता है. द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमें यहां पर
फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू रह गया है 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और अगर इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू 5 माइक्रो कूलाम रह गया है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमें इसका वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा क्यू अपॉन सी से, क्यू का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1, इट मीन्स दैट विल बी 5 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल चुका है 5 वोल्ट, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके उतना ही वोल्टेज इस पर भी ड्रॉप करें, तो हम लोग बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? C1 और C2 को अगर सीरीज में कंबाइन कर दिया हमने, तो C1 और C2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था, लेकिन फिर इसको एप्सिलॉन आर टाइम्स हमने कर दिया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इसका कैपेसिटेंस 1 है और इसका होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स। सो फ्रॉम हियर कि इन दोनों का कंबाइंड सी का वैल्यू ये आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 1, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हटा करके हम लोग इतने कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर ऐड कर दे, तो बात वही होगी। ओके, तो अब ये अपने आप में एक कैपेसिटर बन चुका है, और इसके ऊपर भी वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि तब तक ही चार्जिंग होगी जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए, तो यहां पर भी वोल्टेज होगी 5 वोल्ट। अब देखो बच्चों, वोल्टेज का वैल्यू कितना? 5 वोल्ट, ठीक है। और 5 वोल्ट, ठीक है, और क्यू होता है बच्चों सीवी, वी का वैल्यू है हमारे पास 5 वोल्ट, क्यू का वैल्यू। अब देखिए बच्चों, अगर इसके ऊपर स्टार्टिंग में चार्ज था 8 माइक्रो कूलाम और अब 5 माइक्रो कूलाम रह चुका है, ठीक है, 5 माइक्रो कूलाम रह चुका है, हियर इट इज, ओके, इट मीन 3 माइक्रो कूलाम चार्ज इन दोनों पर कंबाइंडली आ चुका है, मतलब इस वाले कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो होगा 3 माइक्रो कूलाम। सो फ्रॉम हियर क्यू का वैल्यू है हमारे पास 3 माइक्रो कूलाम, सी एप्सिलॉन आर अपॉन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूं, ओके, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना है? 3 माइक्रो कूलाम। सी का वैल्यू कितना है? एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 1। और वी का वैल्यू कितना है? 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके एप्सिलॉन आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आएगा 3 एप्सिलॉन आर प्लस 3, और ये आएगा 5 एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहां से आपको मिल रहा है 3 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन आर, सो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 3/2 मतलब 1.5, सो दैट विल बी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, ये होगा हमारा आंसर। ओके बच्चों, सो फ्रॉम हियर वी कैन से, ओके, ओके, सो एप्सिलॉन आर का वैल्यू दैट इज 1.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th one, ओके। और यहां पर आपसे कहा गया है कि इन द सर्किट शॉन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स एंड की S1 एंड S2 आर ओपन, द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर्स आर C1 C2 C3 और C4 का वैल्यू आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो बच्चों यहां पर हमें चेक करना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट ठीक होगा। तो सबसे पहले हमने यहां पर चेक किया फर्स्ट वाला ऑप्शन, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 व्हेन द की S1 इज क्लोज्ड, स्टार्टिंग में जब हमने S1 को किया क्लोज, ठीक है, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर। तो बच्चों अगर हमने सिर्फ S1 को क्लोज किया है, तो ये वाला सर्किट यहां पर कंप्लीट हो रहा है। और स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो है वो एक क्लोज या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा,
इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट करंट का फ्लो होगा ऐसे और इनका कोई रोल समय नहीं होगा. देयर विल बी ए सिंपल वायर, वी कैन से लाइक दैट. ओके, अब देखो 30, 70 एंड 100. तो 100 प्लस 100 दैट इज 200. सो फ्रॉम हियर करंट का वैल्यू, वोल्टेज कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना 200. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहां से आपको मिल जाएगा 1/40. और यदि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली एम्पियर लिख दूं, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 25 मिली एम्पियर. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन यहां पर ठीक होगा. उसके बाद है इफ की एज इज एस वन इज केप्ट क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू विल बी, पी एंड क्यू पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 10 वोल्ट होगा अगर एस वन को लंबे समय तक क्लोज रखा जाए. एस वन ओपन ही है, एस वन को क्लोज किया गया है. पॉइंट पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें चाहिए तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जितना वोल्टेज इस कैपेसिटर C1 पर ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच. क्यों? क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद करंट का फ्लो होना बंद हो चुका होगा और ये कैपेसिटर्स कंप्लीटली चार्ज हो चुके होंगे. तो हमें सिर्फ यहाँ पर इस C1 का जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो बच्चों सीरीज में है तीनों. ठीक है, और अगर ये तीनों सीरीज में है तो तीनों के अंदर चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा. ठीक है, चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा और C1, C3 एंड C4 इज देयर. तो बच्चों C4 और C3 का रिजल्टेंट C आएगा बच्चों 80 का हाफ, इट मींस 40 आ जाएगा. एंड C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10. सो फ्रॉम हियर 40 एंड 10 का सीरीज में, सो 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40 हो जाएगा, दैट इज 400. सॉरी, एंड दिस विल बी 50. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी 8 माइक्रो फैरड. ओके बच्चों, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी 8 माइक्रो फैरड इन तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. अब देखो चार्ज की बात कर लेते हैं. चार्ज होगा बच्चों क्यू होता है सी वी. ठीक है, तो सी का वैल्यू आ रहा है 8 माइक्रो, वी का वैल्यू 5 वोल्ट, सो ये बन जाएगा 40 माइक्रो कुलाम. ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू हमें यहां पर मिल चुका है 40 माइक्रो कुलाम. इट मीन्स इस पर और इस पर, इन तीनों पर चार्ज का वैल्यू होगा 40 माइक्रो कुलाम. ठीक है यहां तक. अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा. तो वोल्टेज क्यू अपॉन सी होगा, क्यू का वैल्यू है 40 माइक्रो और सी का वैल्यू सी का वैल्यू C1 का वैल्यू दैट इज 10. ओके, सो 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के वी का वैल्यू आ रहा है 4 वोल्ट. ओके बच्चों, तो यहां पर वी का वैल्यू जो आ रहा है वो है 4 वोल्ट, जबकि ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि when key S1 इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम देन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू विल बी 10 वोल्ट. 10 वोल्ट नहीं होगा बच्चों, 4 वोल्ट होगा. इट मीन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है. उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन, इफ की S1 इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुली चार्ज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट. सही बात है, हमने यहाँ पर C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया, वो आ रहा है 4 वोल्ट. और जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा उतना ही पॉइंट पी और क्यू के बीच भी होगा. ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत था, थर्ड ऑप्शन सही है. अब उसके बाद आता है द की एस वन इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज. नाउ की एस वन इज क्लोज, अब की एस वन को क्लोज किया
हमने इन सभी कैपेसिटर्स को कम्प्लीटली चार्ज होने के जस्ट बाद S2 को जस्ट क्लोज किया है. एट दैट टाइम द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा बिटवीन द पॉइंट P एंड Q विल बी 0.2 एम्पियर. ये कह रहा है कि इसमें से 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. ये हमें यहाँ पर सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि कितना करंट फ्लो होगा. तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें वोल्टेज की, तो इस पर आएगा बच्चों 4 वोल्ट. और इन दोनों पर अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि चार्ज का वैल्यू तो सेम रहेगा 40 और यहाँ पर भी 40 माइक्रो कूलम. और V क्या होता है बच्चों, Q अपॉन C. C का वैल्यू यहाँ पर है C3 और ये है C4, और C3 और C4 का वैल्यू है 80. इट मीन्स 40 अपॉन 80, दैट इज 1/2. तो 1/2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 1/2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा. तो ये 4 वोल्ट, 1/2 वोल्ट, 1/2 वोल्ट, ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन में इनका इस्तेमाल होगा. ओके तो हमने क्या लिया यहाँ पर 4 वोल्ट, ये 1/2 वोल्ट, ये भी 1/2 वोल्ट. ओके अब देखिए बच्चों, चलिए ठीक है, मान लीजिए हमने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ पर करंट जा रहा है, मान लीजिए x, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लोज, ये है क्लोज और ये है जस्ट क्लोज. जस्ट क्लोज मतलब यहाँ पर C2 का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है. ओके बच्चों, तो यहाँ पर C2 जो है वो होगा शॉर्ट सर्किट की तरह. तो अब लेट कि यहाँ से करंट फ्लो हुआ है y, तो यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों x-y. अब हम लोग यहाँ पर KVL का यूज कर सकते हैं फॉर दिस लूप एंड फॉर दिस लूप ऑल्सो. तो यहाँ पर हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 30 ओम से कितना करंट पास कर रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए बच्चों, पॉइंट क्यू से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. पॉइंट क्यू से गए ऊपर की ओर, 10 वोल्ट का गेन हुआ, और ऊपर गए -30 × x का लॉस. ऊपर की साइड गए, इसका कोई रोल नहीं होगा. अब आए यहाँ पर C1, ये है प्लस, ये माइनस, इट मीन्स ये होगी प्लेट प्लस और ये होगी माइनस. लाइक दिस, ये भी प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस प्लेट होगी, ठीक है. अब आए यहाँ पर 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, -4 हो जाएगा. फिर आए 70 पर, यहाँ पर करंट का वैल्यू आ रहा है वाई, तो -70y, ठीक है, और पहुँच गए वापस क्यू पर, सो 0. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट कि यहाँ से आपको वैल्यू मिल रहा है 30x + 70y = 6. लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हम लोग चले इस लूप की ओर, और इस लूप में ठीक है, कहाँ लिखें इसको, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको. तो यहाँ से स्टार्ट हुए 10 वोल्ट का गेन, -30x का लॉस, ठीक है, ऊपर चले, अब माइनस से जा रहे हैं प्लस, गेन होगा +0.5 वोल्ट का, फिर गए प्लस से -5 वोल्ट का लॉस, फिर गए 30 की ओर, 30 लॉस होगा यहाँ पर 30x - y, वोल्टेज लॉस, माइनस से प्लस गए, वोल्टेज का गेन होगा +0.5, ठीक है. फिर आए यहाँ पर 100, सो -100 × x - y का लॉस हुआ, और पहुँच गए पॉइंट क्यू पर, यह आएगा 0. और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी. तो हम लोग इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, यह आएगा 0.5 और 0.5 1, यह आएगा 5 5 और 1 6, ये आ रहा है बच्चों 6, ये आ रहा है 30x 30x 100x, ठीक है. इट मीन्स इट विल बी -160x, और प्लस का 30y और प्लस का 100y, सो इट विल बी 130y = 0. ओके सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 160x - 130
y is equal to 6. I hope we will get this. माइनस माइनस प्लस ठीक है, माइनस आ गया, ओके ठीक है. ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. x विल बी द करंट इन दिस वायर. तो इनको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू जो मिलेगा वो आएगा 0.079 एम्पियर. जबकि यहाँ पर ऑप्शन में आपसे कहा गया है करंट इज 0.2 एम्पियर, विच इज रॉन्ग. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग होगा. ओके और थर्ड यहाँ पर ठीक था, सेकेंड गलत था और फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था. ओके सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट ऑप्शंस. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th. ओके ठीक है. और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि टू identical moving coil galvanometer have 10 ohm resistance and full scale deflection at 2 micro ampere current. ठीक है. One of them is converted into a voltmeter of 100 millivolt full scale reading and other is converted into an ammeter of 1 milliampere current. ठीक है. Using appropriate resistors. These are then used to measure the voltage and करंट इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विथ आर इज इक्वल टू 1000 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग एन आइडियल सेल. देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो यहां पर हमें चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है. पहला स्टेटमेंट है यहां पर इफ एन आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम. देखेंगे इसको, लेकिन उसके पहले हमें यहां पर चेक करना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को बनाते टाइम पे हमने कितने कितने रेजिस्टेंस का यूज किया. पहले हमें वो चेक करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इन ऑप्शंस को चेक कर पाएंगे. ओके रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 100 किलो ओम. ठीक है. मेजर्ड वैल्यू ऑफ आवर विल बी फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज 0.02 ओम. ठीक है. तो पहले हम लोग यहां पर वोल्ट मीटर और एमीटर बना लेते हैं. गैल्वेनो का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जनरेट होता है जब उसमें से करंट फ्लो होता है 2 माइक्रो एम्पियर. ओके तो इसके लिए हमें एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ेगी. सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि नेक्स्ट पेज पर हम लोग देख नहीं पाएंगे कि क्या क्या डेटा आपको दिया गया है. चलिए देखते हैं, करते हैं ट्राई. 10 ओम 2 माइक्रो एम्पियर. ठीक है. ओके बच्चों, सो गैल्वेनो इज देयर, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसमें से जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो है 2 माइक्रो एम्पियर. और हमने इसका यूज किया है. वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट फुल स्केल रीडिंग. तो बच्चों हमको पता है कि अगर हमें इससे वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस ऐड करना होता है. ठीक है. तो सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में हमने अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, लेट इट इज आर डैश, तो अब उस केस में आपको यहां पर वोल्टेज का जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज 100 मिली वोल्ट. तो अब हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं कि इस आर डैश का वैल्यू क्या होगा. तो बच्चों यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ 2 माइक्रो इंटू 10 प्लस यहां पर 2 माइक्रो इंटू आर डैश और इन दोनों का सम मिलना चाहिए 100 मिली एम्पियर. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर डैश. यहां से हम लोग आर डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखते हैं. ओके सो 2 माइक्रो इज देयर, 10 प्लस आर डैश ये आएगा 100 मिली और ये आ रहा है 2 माइक्रो. ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट इज
100 मिली इट इज 2 माइक्रो, ये आएगा 50 और ये आएगा माइक्रो से ये कैंसिल, मतलब ये बन जाएगा किलो। ओके सो आर डैश का वैल्यू यहां पर आ रहा है 50,000 माइनस 10, यानी अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 50 किलो ओम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनो इनटू ए वोल्ट मीटर। ओके तो आर डैश का वैल्यू आ चुका है, दैट इज 50 किलो ओम। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि इस पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो है 50 किलो ओम, अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहां पर मान सकते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, सो 50 किलो ओम दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर। अच्छा, अब देखते हैं कि एमीटर में चेंज करने के लिए हमें कितने रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। तो बच्चों अब देखिए, ये आ रहा है 50 किलो ओम। ओके 50 किलो ओम, अब क्या किया हमने, देन एमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये हमें चाहिए। तो हमें पता है कि एमीटर में हमें अगर चेंज करना है गैल्वेनो को, तो उस केस के लिए आपको यहां पर एक शंट जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। सो लेट दिस इज एस हियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और इसमें से करंट जा सकता है कितना 2 माइक्रो एम्पियर, और यहां से हमें चाहिए 1 मिली एम्पियर का करंट, ये आ रहा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 1 मिली में से 2 माइक्रो यहां पर चला जाएगा, रिमेनिंग पार्ट यहां से पास हुआ, और क्योंकि हमको पता है कि 1 मिली के कंपैरिजन में 2 माइक्रो बहुत कम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर भी लगभग 1 मिली एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के वोल्टेज के बराबर होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एस इंटू 1 मिली दैट इज वोल्टेज एट दिस एस, एंड हियर इट इज 2 माइक्रो इंटू 10। सो फ्रॉम हियर यहां पर आप लोग एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रो, और ये मिली आ रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये बन जाएगा मिली, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी 20 मिली ओम। ओके, और 20 मिली ओम को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों मिली, सो इट विल बी 0.02 ओम। ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा, एमीटर के रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 0.02 ओम, ये सही आ रहा है हमारा ऑप्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी 100 किलो ओम, गलत, ये आया था 50 किलो ओम। ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। और अब इसके बाद आता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, 1000 एक्चुअल है और मेजर्ड वैल्यू जो है वो 978 से लेकर 982 के बीच में आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसको, 50 किलो ओम और ये आ रहा है 20 मिली ओम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ओम्स लॉ का जो सर्किट होता है वो होता है रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया, और ये एमीटर, और इसके बाद ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी जोड़ दी, ई ईएमएफ है इसका। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम, और एमीटर का है 0.02 ओम। ठीक है यहाँ तक, अब हमें यहाँ पर आर का मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिएगा कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों एज वी नो कि रेजिस्टेंस जो होता है
आर, ये होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, वोल्टेज हमें फाइंड आउट होगा यहां से और करंट हमें फाइंड आउट होगा एमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर करंट जा रहा है आई, तो यहां से भी करंट जा रहा होगा आई। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि यहां से अगर करंट गया आई वन, तो यहां से करंट जाएगा बच्चों आई माइनस आई वन। ओके, तो अब हमें यहां पर बी का वैल्यू और आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि हम लोग आर का मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो बच्चों देखिए, ओके, सो वी का मेजर्ड वैल्यू, ओके ठीक है, आर का वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की हम लोग बात करें तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर भी होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आई वन इंटू 50 किलो ओम, ठीक है, बराबर ये आएगा बच्चों आर, आर का वैल्यू हमने लिया था 1000 ओम। ठीक है, और ये आ रहा है आई माइनस आई वन। ठीक है बच्चों यहां तक, और यहां हमें आई का वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां से 1000 किलो हो गया कैंसिल, सो इट दिस विल बी 50 आई वन एंड दिस विल बी आई माइनस आई वन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट यहां से हमें आई का वैल्यू मिल रहा है, दैट विल बी 50 प्लस वन, दैट इज 51 आई वन आ गया। आई का वैल्यू यहां पर आ चुका और वी का वैल्यू हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वी का वैल्यू यहां पर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज जो कि हमें प्राप्त हुआ है 50 किलो इंटू आई वन। ओके, सो 50 किलो इंटू आई वन और आई का वैल्यू 51 आई वन। ओके बच्चों, तो आई वन से आई वन यहां पर कैंसिल हो रहा है। सो फ्रॉम हियर वी विल सी कि आर का वैल्यू यहां पे आपको 50 अपॉन 51 इंटू 1000, मतलब 1000 से थोड़ा सा कम आएगा, ये आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 980 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि 980 जो है वो 978 और 982 के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो सही होगा। ओके बच्चों, देखते हैं ऑप्शन थ्री के अंदर क्या लिखा हुआ था। ओके ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर इज बिटवीन 978 टू 982। सही है बिल्कुल ये बात, क्योंकि हमें यहां पर मिल चुका है आर का वैल्यू, दैट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 980 ओम, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, और हमने कहा ये सेकंड वाला रॉन्ग था और फोर्थ वाला ठीक था। अब इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर देन 1000 ओम। बच्चों मेजर्ड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहां पर अगर देखें तो पूरी कैलकुलेशन में हमने कहीं पर भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज नहीं किया है। यहां पर हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या वी और आई का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, और यहां पर स्मॉल आर का कोई भी रोल नहीं है, यहां पर सिर्फ आई वन और ये वाला जो आई था ये है बच्चों आई, इट मीन्स आई वन अपॉन आई का जो रेशियो है उसका फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि आई वन और आई का वैल्यू चेंज हो जाए, हो सकता है कि आई वन और आई का वैल्यू चेंज हो जाए इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना आपको यहां से कैलकुलेशन के बाद प्राप्त हुआ है। इट मीन्स यहां पर मेजर्ड वैल्यू पर इस स्मॉल आर का इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके बच्चों, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन भी यहां पर गलत साबित होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन. ओके बच्चों, इसके बाद आता है हमारा 18th क्वेश्चन, और यहां पर आपसे कहा गया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज स्पेसिंग डी बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग एरिया ए. दो प्लेट्स है जिनके बीच का डिस्टेंस दिया गया आपको स्मॉल डी, और हर एक प्लेट का एरिया है ए. द रीजन बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद एन डाई इलेक्ट्रिक लेयर्स. एन डाई इलेक्ट्रिक लेयर से हमने इस स्पेस को फिल कर दिया है पैरेलल टू इट्स प्लेट्स ईच विद थिकनेस d upon n. ठीक है, हर एक प्लेट का थिकनेस है d upon n. ओके ओके ठीक है. द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द mth लेयर इज km इज इक्वल टू k ब्रैकेट 1 प्लस m upon n. फॉर ए वेरी लार्ज नंबर दैट इज n इज ग्रेटर देन 1000 द कैपेसिटेंस c ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इज दिस मच, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी. यहां पर हमें एल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो बच्चों, ये सभी प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में है, तो हम लोग यहां पर देखें तो सी नेट 1/c net ये आएगा. हम लोग किसी एक लेयर की बात करें तो उसका कैपेसिटेंस का रिवर्स और उन सभी का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व. देखिए, मान लीजिए कि हमने एक्स डिस्टेंस पर एक लेयर लिए और इस लेयर का थिकनेस का वैल्यू है dx. ठीक है, और ये डिस्टेंस x है और ये टोटल डिस्टेंस जो दी गई है ये है d. ओके, अब देखिए बच्चों, अगर इस वाली लेयर की बात करें तो इस वाली लेयर के लिए कैपेसिटेंस यह आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी. कितना इसकी थिकनेस का वैल्यू डी एक्स. ठीक है, डी एक्स. और अगर हम लोग बात करें इसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, तो ये आएगा बच्चों, ये था बच्चों के वाज आई थिंक के नॉट 1 प्लस एम अपॉन एन था वहां पे. ठीक है, के बराबर के नॉट 1 प्लस एम अपॉन एन था. तो यहां पर हम लोग अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रख दें तो यहां से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी एक्स आ जाएगा. और ये के का वैल्यू आई थिंक इट वॉज के नॉट 1 प्लस एम अपॉन एन था. चेक कर लेते हैं एक बार. ओके ओके, के 1 प्लस एम अपॉन एन था. ओके ठीक है, तो के एम दैट वाज के 1 प्लस एम अपॉन एन दिस वाज. ठीक है यहां तक. अब देखिए बच्चों, यदि हम लोग यहां पर एम अपॉन एन की बात करें, यहां पर एम क्या है, एम है एम्थ लेयर का नंबर और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ लेयर्स. इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से कि हम एम अपॉन एन को एक्स अपॉन डी से रिप्लेस कर सकते हैं. भाई एक्स अपॉन डी एम अपॉन एन, तो इसका जो रेशियो होगा वो एक्स अपॉन डी के रेशियो के बराबर होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट dc it will be epsilon naught into a upon dx k 1 plus x upon d. ये आएगा हमारा dc का वैल्यू. अब हमें क्या करना है, इस dc को यहां पर रखकर इसका इंटीग्रेशन करना है ताकि हमको 1 upon c net का वैल्यू मिल जाए. तो देखते हैं c net का वैल्यू यहां पर हमें कितना प्राप्त होगा, देखते हैं. So from here we will get C net that is 1 upon DC. DC का वैल्यू ये आ रहा है, that is K epsilon naught into A और ठीक है DX ऊपर आ जाएगा. ठीक है,
dx पहुंच जाएगा ऊपर और ये आ रहा है इसके साथ, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया 1 अपॉन डी सी का वैल्यू। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स है यहाँ पर वेरिएबल, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर डी तक चेंज होगा। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल सी कि ये आएगा के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, बाहर आ चुका है। ये आएगा बच्चों लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन डी, ठीक है, और एक्स अपॉन डी का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट दैट इज 0 प्लस 1 अपॉन डी, सो इट विल बी 1 अपॉन डी ओनली। ओके, लिमिट हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं 0 से लेकर डी तक। ओके, दैट इज 1 अपॉन सी नेट। तो यहां से हमें सी नेट का वैल्यू मिलने जा रहा है। तो देखिए क्या आएगा, ये डी ऊपर पहुंच जाएगा, सो 1 अपॉन सी नेट दैट इज डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और ठीक है ये आएगा बच्चों लॉग 1 प्लस डी, 1 प्लस 1 मतलब 2 आ जाएगा, और ये आएगा लॉग 0 रखा इट मीन्स 1 आ जाएगा, ये लॉग 1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यहाँ पर आपको ये वैल्यू 0, सो सी नेट का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी एलएन 2। ठीक है, तो के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी एलएन 2, दिस विल बी द सी नेट। अब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं जो सी नेट हमको दिया गया था उससे, तो सी नेट का वैल्यू जो यहां पर आपको दिया गया था वो क्या था, के एप्सिलॉन इनटू ए डी ln into alpha, so from here we can see कि alpha का value यहाँ पर क्या आएगा 1, okay, so alpha का value आएगा यहाँ पर 1, that is our answer, okay बच्चों, बढ़ते हैं अगले question की ओर, तो that is our 19th question, okay, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि shown in the figure a semi-circular metallic strip, that is metallic strip that has thickness t and रेजिस्टिविटी इज रो, थिकनेस इसका टी है, थिकनेस मतलब इसकी जो मोटाई है ये वाली, थिकनेस इसकी टी है एंड रेजिस्टिविटी इज रो, इट्स इनर रेडियस इज आर वन एंड आउटर इज आर टू, इफ वोल्टेज वी नॉट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, इन दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज हमने अप्लाई किया डेल्टा वी, वी नॉट इज अप्लाइड, यहां से लेकर यहां तक हमने वोल्टेज ठीक है, वी नॉट वोल्टेज हमने यहां पर अप्लाई किया है, देन देयर विल बी ए करंट आई, और तो यहां पर एक करंट आई का फ्लो हुआ, इन एडिशन इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा वी भी यहां पर डेवलप हुआ बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेस ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इग्नोर एनी रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, देन तो इन सब में से कौन सा वाले ऑप्शन यहां पर ठीक होंगे ये हमें यहां पर चेक करना है। सबसे पहला है यहां पर ऑप्शन करंट का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों आपको अगर करंट का वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपको इसका जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना होगा, और उसके बाद वी अपॉन आर करके हम लोग यहां पर करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं कैसे होगा सॉल्व, तो थिकनेस है इसकी टी, ठीक है, तो इस वाली पूरी स्ट्रिप की रेजिस्टेंस की बात हम लोग करें तो मान लीजिए कि हमने सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर, सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है, और इस स्ट्रिप का
थिकनेस है डी एक्स, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप ली है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। लेट रेजिस्टेंस है इसका डी आर, डी आर होता है रो एल अपॉन ए, रो एल लेंथ की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर का हाफ मतलब पाई आर। सो पाई आर का वैल्यू कितना लिया हमने एक्स, ठीक है, रो इंटू एल अपॉन ए। अब बात कर रहे हैं इस वाली स्ट्रिप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ये वाला, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो है टी, ठीक है, तो टी तो है इसकी थिकनेस, और इसकी जो विड्थ हमने ली है वो है डी एक्स, ठीक है। सो टी इंटू डी एक्स, टी इंटू डी एक्स दैट विल बी द एरिया, टी इंटू डी एक्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट दिस विल बी द डी आर। अब हमें यहां पर चाहिए कि ऐसे अगर बहुत सारी लेयर्स हम लोग यहां कंसिडर करें तो उन सभी लेयर्स को हम लोग देखें तो वो सभी एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो अगर हमें इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें देन वी विल गेट दैट इज वन अपॉन आर नेट, दैट इज वन अपॉन डी आर, इंटीग्रेशन हमें यहां पर करना पड़ेगा और डी आर का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। सो फ्रॉम हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डी आर दैट इज रो पाई एक्स और ये आएगा टी डी एक्स, ठीक है बच्चों। और यहां पर जो एक्स है उसका वैल्यू कहां तक चेंज होगा, दैट इज आर वन से लेकर आर टू तक, ठीक है, यहां तक है आर वन और ये है रेडियस आर टू, इट मीन्स आर वन से लेकर आर टू तक वैल्यू चेंज होगा। सो इंटीग्रेशन के बाद हमें यहां पर वन अपॉन आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों टी बाहर आ जाएगा, रो भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा बच्चों वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग एक्स फ्रॉम आर वन टू आर टू। सो इट विल बी टी अपॉन रो पाई, ये आएगा लॉग बेस ई आर टू अपॉन आर वन। सो फ्रॉम हियर इट इज वन अपॉन आर नेट, तो यहां से आपको आर नेट का वैल्यू मिल चुका है, आर नेट ये होगा इसका उल्टा मतलब रो पाई अपॉन टी और ये आएगा लॉग बेस ई आर टू अपॉन आर वन, ठीक है यहां तक। अब हमें चाहिए इसका करंट, तो करंट का वैल्यू अब हम लोग बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट का वैल्यू वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था दैट इज लेट इट इज वी और आर नेट। सो फ्रॉम हियर व्हेन वी विल पुट वैल्यू ऑफ वन अपॉन आर, तो डायरेक्टली हम लोग यहां पर वन अपॉन आर का वैल्यू रख देते हैं, तो ये आएगा वी, ये आएगा टी और ये आएगा रो इन टू पाई एंड दैट इज लॉग बेस ई आर टू अपॉन आर वन। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दिस विल बी द करंट, देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। ओके ठीक है, वी नॉट टी ठीक है, पाई रो ठीक है, लॉग आर टू अपॉन आर वन, लॉग आर टू अपॉन आर वन। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद आता है आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस। अब देखिएगा बच्चों इस वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट हमको यहां पर देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अपोजिट में, तो मान लीजिए हमने यहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात की, तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा बाहर की ओर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर की ओर नहीं जाएगा, ये अपने पाथ के ऊपर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहां पर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एक्ट कर रहा होगा, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उसके अपोजिट होगा, जानते हैं हम लोग। तो ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। सो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पर पोटेंशियल कम होगा, वी एल मतलब वी लो। ओके, सो अब हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। द आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज वी एल, ठीक बात है। और यहां पर कहा गया कि आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज, गलत है। बाहर वाला जो सरफेस है उसका वोल्टेज कम है, दैट इज वी एल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से आवर थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। और उसके बाद आता है कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यहां पर डेल्टा वी जो है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये बात हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, देखिएगा, एज वी नो बच्चों की डी वी अपॉन डी आर ये होता है ई। सो फ्रॉम हियर अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, सो फ्रॉम हियर वी विल सी दैट डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, ओके, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बाहर की ओर क्या था, एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर, एक्स को मैंने यहां पर आर ले लिया, ये आर है इस पाथ की रेडियस, और इनसाइड में जो फोर्स था वो था चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्रॉम हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ई यहां पर, तो यहां से आपको डीवी का वैल्यू मिल जाएगा, ई का वैल्यू एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, और ये ई आ जाएगा, और ये डी आर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, डी आर, ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग अगर देखें तो ये आएगा बच्चों वी वन से लेकर वी टू तक, और यहां पर आर का वैल्यू आएगा आर वन से लेकर आर टू तक। अगर हमें सिर्फ यहां पर करंट के ऊपर डिपेंडेंसी चेक करनी है डेल्टा वी की, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा डेल्टा वी, दैट इज वी टू माइनस वी वन, तो हमें सिर्फ यहां पर करंट के ऊपर डिपेंडेंसी चेक करनी है, तो हम लोग केवल यहां पर वी डी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आई होता है एन ई ए वी डी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि वी डी प्रोपोर्शनल टू होगा आई के, तो हम लोग यहां पर अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो यहां पर डेल्टा वी वाज प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर मिल जाएगा, ओके, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है। आप लोग चाहे तो इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद भी चेक कर सकते हो, आपको फाइनली डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ही मिलने वाला है, क्योंकि इन सब आर का इस वी डी पर या आई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज आवर 20th क्वेश्चन, यानी 20वां प्रश्न। So, देखते हैं 20th क्वेश्चन, और यहां पर आपसे कहा गया इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो, 60 ओम, 30 ओम, 100 ओम, 500 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस R3 हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस मच, इफ द temperature of R3 is increased by 100 degree Celsius, then the voltage developed between S and T will be, S or T के बीच, point S और T के बीच developed voltage, यानी हमें इस V का reading find out करना है।
कब, जबकि R3 का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों अभी की सिचुएशन हम लोग अगर देखें तो 6/30 एंड 1/5, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। इट मीन्स इस केस में यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इस वाले रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके साथ साथ इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। एज वी नो आर क्या होता है, आर नॉट 1+α∆t। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट आर नॉट का वैल्यू था यहां पर 300 या 1+α का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कॉफिशियंट इज 0.0004। ओके, एंड डेल्टा टी का वैल्यू 100। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि आर का वैल्यू यहां पर आपको मिल रहा है 1+, ये आएगा ठीक है 0.04। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी 300 × 1.04, इसको मल्टीप्लाई करके आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है यहां तक, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट कम है। ठीक है ना, तो यहां से आपको अब इस आर का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 100 × 1.04 ओम। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं रहा, ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन चुका है। अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सर्किट हम लोग अगर यहां देखें तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है लाइक दिस, फ्रॉम हियर टू हियर करंट का फ्लो होगा और यहां से यहां पर भी करंट का फ्लो होगा। लेट इट इज I1 एंड इट इज I2 हियर, तो हम लोग यहां पर I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और उससे फिर हम लोग इस पॉइंट S और पॉइंट T का पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो अगर इस वाले डायग्राम को देखें तो ये यहां पर करंट जाएगा I1, यहां पर आएगा I2 और वापस ये दोनों I1+I2। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां पर हम लोग I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 वोल्ट इन दोनों के ऊपर ड्रॉप होगा और 50 वोल्ट ही इन दोनों के ऊपर कंबाइंडली ड्रॉप होगा। तो अब देखते हैं कि किस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो ठीक है, ओके, ठीक है, देखो बच्चों ये है R1, ये है R3 और ये R2 और R4। तो R2 और R4 सीरीज में अभी, तो ये हो गया 600 ओम। तो यहां से हमें I2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहां पर I2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 50/600। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी इट विल बी 1/12 एम्पियर, ये आ रहा है I2 का वैल्यू 1/12 एम्पियर। सो 1/12 एम्पियर अगर यहां पर आ रहा है तो यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ निकाल सकते हम लोग। तो यहां पर इस पर वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ दैट विल बी I × R, सो 100/12। ठीक है, तो 50 में से 100/12 यहां पर ड्रॉप हो चुका है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज हमको मिल जाएगा 50 − 100/12, ये आएगा 600। ठीक है, तो यानी 500/12, तो 4. ठीक है, ठीक है, 41.7 के आसपास आपको यहां पर इस पॉइंट का वोल्टेज मिल रहा है। ओके, 41.7 वोल्ट। ऐसे ही हम लोग यहां का भी करंट का वैल्यू फाइंड आउट करके और यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज देयर। ओके, ओके बच्चों, तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो यहां पर करंट का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो सकता है और उसके बाद हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं,
आई वन का वैल्यू, आई वन ये तो था हमारा आई टू। और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट इसको एग्जैक्टली करेंगे तो ये आएगा बच्चों 41.66। ओके, ये आएगा बच्चों 41.66। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आई वन की, तो आई वन का वैल्यू, आई वन का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये आएगा बच्चों 300 इंटू 1.04, दैट इज 312 ओम आएगा ये। ओके, 312 ओके ठीक है, 312 ओम, और ये आ रहा है 60, मतलब 312 प्लस 60 दैट इज 372 ओम। ओके, तो यहां से आपको आई वन का वैल्यू मिल जाएगा, और अब हमें अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट इट इज वी डैश, तो वी डैश का वैल्यू करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस है 312, करंट का वैल्यू है 50 अपॉन 372, तो इसको सॉल्व करके आपको इसका वैल्यू यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा 41.93। ओके बच्चों, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 41.93 में से 41.66 को माइनस करें तो ये आएगा बच्चों 0.27 वोल्ट। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर विल बी 0.27 वोल्ट। ओके, सो ये था हमारा 20th क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज आवर 21st क्वेश्चन, सो लेट अस सी। एंड इन दिस क्वेश्चन टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस ऑफ C1 दैट इज 2000 प्लस माइनस 10 पिको फेरड एंड C2 दैट इज 3000 प्लस माइनस 15 पिको फेरड आर connected in series, the voltage applied across this combination is 5.00 plus minus 0.002 volt. The percentage error in the calculation of the energy stored in this combination of capacitor is. तो हमें यहाँ पर energy में energy का value हमें यहाँ पर find out करना है और इसका percentage error कितना आएगा ये हमें यहाँ पर find out करना है। तो बच्चों यहाँ पर C और V दिया गया है, ठीक है, तो देखते हैं सीरीज में है, दोनों सीरीज में है और ये हमने यहाँ पर जोड़ दी एक बैटरी, ठीक है, तो सीरीज में है तो एस बी नो कि 1/C net दैट इज 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा, ठीक है। तो अगर हमें एरर के साथ इसे सॉल्व करना है तो सी नेट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें सो 1/C² दैट इज -1/C1² आएगा, DC1 आ जाएगा, प्लस -1/C2² आ जाएगा, DC2 आ जाएगा, और ये आएगा 1/C net² और ये आएगा DC net, ठीक है बच्चों, तो माइनस यहाँ पर थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग डीसी नेट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो DC net / DC का वैल्यू देखो बच्चों ये आएगा DC net / C net दैट इज 1 C net को यहाँ पर हम लोग अगर रख दें तो ये आएगा DC1/C1² और ये आएगा DC2/C2². इसकी हेल्प से हम लोग DC net / C net का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज होगा एनर्जी की परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए, कहां पर और कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। एज वी नो कि एनर्जी होती है आप CV² सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट डेल्टा E / E दैट विल बी
डेल्टा सी अपॉन सी प्लस टू डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ पर हमें डी सी अपॉन सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। और इसके बाद डेल्टा वी अपॉन वी का वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा वी ये रहा और वी का वैल्यू ये रहा, इनको कैलकुलेट करके हम लोग फिर यहाँ पर डेल्टा वी ई अपॉन ई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, देन वी कैन कन्वर्ट इन परसेंटेज एरर। ओके, तो अब यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो देखते हैं कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, तो यहां से हमें सीनेट, तो सीनेट की बात करें तो सीरीज में तो 2 3 6 2 × 3 / 2 + 3 6/5 ठीक है, दैट इज सीनेट। मतलब ये आएगा बच्चों 6000/5 मतलब 1200 सीनेट का वैल्यू आएगा 1200 ठीक है ना, 1200। ओके, दैट इज आवर सीनेट। अब हम लोग यहाँ पर सीनेट का वैल्यू 1200 माइक्रोफेरड है ठीक है, सॉरी पिको में दिया गया है पिको। और डी सी वन अपॉन सी वन स्क्वायर, डी सी वन का वैल्यू कितना है 10 और सी वन स्क्वायर दैट इज 2000 का स्क्वायर, मतलब 2000 का स्क्वायर प्लस डी सी टू का वैल्यू कितना है 15 और सॉरी ये 15 है और ये आ रहा है 3000, सो 3000 का स्क्वायर ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके डी सी नेट अपॉन सी नेट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं DC net upon C net, it will be a ratio only, ये केवल एक ratio होगा, ratio होगा तो यहाँ पर पिको ये सब गायब हो चुका होगा ठीक है। Okay, so calculation करना पड़ेगा बच्चों, इसको calculate करके आपको DC net upon C net का value मिल जाएगा, मतलब आपको डेल्टा सी अपॉन सी का value मिल जाएगा। डेल्टा V का value है आपके पास, V का value है, यहाँ से calculate करके आपको डेल्टा ई अपॉन ई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 5 × 10³-3। ओके, दैट इज डेल्टा सी अपॉन सी, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख के डेल्टा ई अपॉन ई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कैलकुलेशन से हमें क्या प्राप्त होगा। तो 5 × 10⁻³ आ रहा था, ये देखो ये आ रहा है 5 × 10⁻³। डेल्टा वी का वैल्यू कितना है 0.02 और वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू है बच्चों 5 ठीक है, वी का वैल्यू है यहाँ पर 5 तो पॉइंट अगर हटा दें तो ये बन जाएगा 500 ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आ रहा है 5/1000 और ये आ रहा है 4/500। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये बन जाएगा 8/1000 ठीक है, 5/1000 प्लस 8/1000 मतलब 13/1000 ठीक है। ये आ रहा है डेल्टा ई अपॉन ई का वैल्यू, अब इसे हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 13/1000 × 100, 0 0 कैंसिल हो गया यानी 1.3%। ओके, इट मीन्स देयर विल बी एरर ऑफ 1.3% इन एनर्जी। ओके, सो 1.3 दैट विल बी आवर आंसर। ओके बच्चों, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के 2013 से लेकर 2020 तक के प्रश्न करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस के, और ये थी हमारी गुरु नीति नंबर 7 ठीक है बच्चों, आई होप यू गॉट इट। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर, जय सी एल सी, बाय बाय।